Cigarette smoking is injurious to health. मेरा नाम गीता है सर। लाइव बैंड में एक डांसर का काम करती हूँ। चार दिन पहले गुंडे नसीर ने मुझे किडनैप कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली सर। 22 24 ये लो, अपनी कंप्लेन लिख दो। 42 58 99 100। ओए गीता आई थी। निकल जा तू। सर मैं जगदीश। दीदी आप इतनी देर तक पानी में रही, आपको तकलीफ नहीं हुई? आप रनिंग में भी फंस जाती हैं, स्विमिंग में भी फंस जाती हैं। अरे आप यहाँ अकेली कहाँ घूम रही हैं? तुम मुझे तो बहुत अच्छी लगती हो। ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई भी लिफ्ट नहीं देता मुझे। कहाँ जाना है आपको? रेस कोर्स जाना है। इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। इस तरह रो मत। मुझे अपनी वाइफ मत बोलो, ऐसे घूर मत मुझे। अरे तेरे बाप को मालूम होने दे, तेरे बाप के बाप को मालूम होने दे। गाड़ी क्यों रोकी? वो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं नसीर भाई। अगर तू तो मेरी है ना, मुझ में नशा और जोश कुछ ज्यादा ही है। आ जाओ। कितना मीठा है नारियल पानी, वैसे ये अपनी ही खेती का है ना। सेठ जी, आपका बेटा जमींदारी छोड़ के शंकर गौड़ी की बेटी पर नजर टिकाए हुए हैं। उससे शादी भी करना चाहते हैं। अगर उसके बाप को पता चल गया तो चुप बैठेगा क्या? क्या कर लेगा रे शंकर गौड़ी? उसकी अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से कराने में उसको क्या तकलीफ है? हाँ, क्या खराबी, क्या खराबी मेरे बेटे में? अगली बार तू से बात करना तो दूर, इसके आस पास भी अगर दिखा तो तुझे गन्ने की तरह छील कर रख दूंगा, समझा क्या? जिस बेटे को तूने पैदा किया, उसे मारने के बजाय उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर, उसके हाथ में तलवार थी और वो गुस्से में था,
ऐसे में उसको मैं क्या समझाता। लेकिन आज जिस पैरों से उसने तुझे मारा है, कल उसी पैरों पे चलकर अपनी बेटी का कन्यादान करने मेरे पैरों पे आएगा। नहीं तो मेरा नाम गौरी शंकर नहीं। मुझे देखकर अच्छे अच्छों की पेशाब निकल जाती है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। नंदिनी कैसे चल रहा है बेटा? आपके कपड़े कैसे खराब हुए? और कुछ नहीं, खेत में गन्ने काट रहे थे, इससे कीचड़ लग गया। ये लोग आपके साथ क्यों गए थे? ऐसा क्या काम था? हम लोग उसे मारने गए थे। मारने? लेकिन किसको? मारने के लिए नहीं गए थे बेटी, वो खेती का काम था, इसलिए गए थे। वही कीचड़ लग गया। ए, ए, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। ये सब मामूली बात है, ये तो चलता रहेगा, तू जाके बैठ जा। लेकिन वो जाके बैठ जा। सुनो, वो एनआरआई लड़के का रिश्ता आया था ना, वो तो हम दोनों को पसंद है, उसके बारे में पूछताछ कीजिए ना। ये क्या कर रहे हो शंकर? ऐसा समाज बना हो जिसमें मुजरिम ना हो मैडम, ये भी तो एक तरह का नेक काम है ना। ये सब मुझे पता है, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, नाश्ता तैयार। जान देना और जिंदगी का अर्थ समझना ही असली सेवा है मैडम। दिस इज टू मच। इन्वेस्टिगेशन जहाँ से शुरू हुआ था वो तो अभी भी वहीं पे अटका है। नो सर, मिलना है एक सुराग मिला है सत्य भाई के पास। एक इन सारे मॉडल्स में एक कॉमन भाई कहने का वक्त हो गया है। जो भी मरा है वो किसी न किसी तरह से औरतों पे अत्याचार और जुल्म करता रहा है। कुछ लोगों पे तो केस फाइल भी नहीं हुआ है, कुछ लोग अदालत में सबूत और गवाह के ना होते हुए बेल ले चुके हैं। सर, केस फाइल ना होने के बावजूद ऐसे कांड के बारे में सब कुछ पता चलता है तो बस दरबार हॉल में। दरबार हॉल में? यस, बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाने से घबराते हैं। वो बड़े लोग और गुंडों से भी घबराते हैं, लेकिन वहीं पे जाकर न्यायालय की गुहार लगाते हैं। उनकी डिटेल्स पर केस को हैंडल किया जाता है। ऑल इंडिया फोटो या फिर उसका नाम पता ही नहीं चलता। इसे 2 साल पहले शुरू किया था एसीपी शंकर पांडे ने। मैं बिजनेस हमेशा डॉलर में करता हूं। इंडियन करेंसी मुझे एलर्जी है, फॉरेन करेंसी मेरी एनर्जी है, समझ गया ना? नॉनसेंस भाई, खड़ा हो जा। ए कौन है तू? हां, तेरा चेहरा तो फूल जैसा मासूम है। मुझसे तुझे क्या काम है जो तू मेरा पैर पकड़ रहा है, या फिर भीख मांगने का या नया तरीका अपनाया? मुझे समझ में नहीं आता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कृष्णा है भाई, 3 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ भाई। मुझे कुछ छोटा मोटा काम दे दो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। कहता है कि जब भी बुलाएगा मुझे उसके गेस्ट हाउस जाना होगा। हायर अथॉरिटीज को शिकायत भी किया तो वो कहते हैं कि इट्स कॉमन, पर इसके पास जाओ तो वो कहते हैं कि ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। देखने में तो बहुत मालूम लगता है, ये स्टाइलिस्ट आदमी का बिजनेस है, क्या मालूम ये नहीं चलती। एरिंग सोचकर एरिंग करनी पड़ती है मेरी तरह। तूने चंदन ऐसे क्यों लगाया है? ऐसे लगाना चाहिए था ना। आप जैसे बोलते हैं वैसे ही लगाऊंगा, आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये लल्लू जान देने को कह रहा है, आप आजमा कर तो देख लीजिए। ये सही बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? प्रकाश सिब्बल एंड फिक्स द प्लेस एट हिज रेसिडेंस। फॉलो फॉलो मी। ए ये लो बेटा, पकड़ो बरखुरदार, काम खत्म, चलो। तो क्या डिसाइड किया है? नौकरी छोड़ोगी? सॉरी भाई। या फिर जिद छोड़ोगी? मैं बाहर तो नहीं चलूंगी। भाई, तो आपके घर गेरिंग रोड लैंड पेपर्स आज रात सेटलमेंट हो गया है, डॉक्यूमेंट पेपर्स एकदम परफेक्ट है। हाय लकी। हाँ भाई, आई एम रेडी। डॉक्यूमेंट परफेक्ट है तो मेरे पास क्यों आया? इसको रिजेक्ट कर दे, कल जाना है। नो नो नो, ऐसी डीलिंग नहीं करता है। ऐसे डॉक्यूमेंट को कचरे में डाल देता है, ऐसे में डील करता है। मीटिंग खत्म होते ही पेपर में लिटिगेशन होना चाहिए। लिटिगेशन? ओके बाय। क्लियर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको भी थोड़ा पैसा मिलेगा। ये लिटिगेशन का क्या सीन है भाई? क्या टाइमिंग? यही तो लिटिगेशन का सीक्रेट है, लेने वाला पूरा लेता है, देने वाला पूरा देता है। इसकी भलाई मेरी होती है। कौन हो तुम भाई? मेहनत करने वाली औरतों की मदद करने वाला होता भाई है असली मर्द। और जो अपनी जगह पर कोई पर दूसरा भाई आकर गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, हमारी दुनिया में नामर्द कहते हैं। गायब हो गया, ऐसा न्यूज सुनकर गायब हो जाएगा। एक नई जवानी दुनिया में, मुझे पता था ये अपने साथ नहीं चलने वाला। शक्ल देखकर ही मैं आदमी को पहचान जाता हूँ। वो रिक्वेस्ट कर रहा था इसलिए मैंने। जितने भी बुरी नजर वाले हैं उन सबको खत्म कर दूंगा। करिया, तू अच्छा इंसान नहीं बन सका, तो तुझे जिंदा रहने का हक भी नहीं है। धमकी देता है। हेलो प्रकाश जी, वो तो अपने घर चले गए। उन्होंने तो कहा था कि आज उनकी मीटिंग है। नो मीटिंग टुडे। जहाँ हमारा सत्या भाई डील करने वाला है वहाँ आकर गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हें जिंदा काट दूंगा। भाई,
इतना बहुत हुआ या और भी कुछ करूं आपके लिए? हमारी तहकीकात में अगर आपने सपोर्ट किया तो लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? अरे प्यार से हैंडल करना चाहिए था ना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझे टेंशन दे दिया। तो फिर वहाँ कौन आया? कौन था ये तो पता नहीं, अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही गुस्से में था। बोलिए सर, बोलिए सर। उन्होंने मेरे भाई को मारा, बताया और था हेलो, मुझे अच्छी तरह पता है सर, मैंने टीवी पर देखा। मैं इंस्पेक्टर कृष्णा बोल रहा हूँ, तुम 8 बजे वहाँ जाने वाली थी पर गई नहीं। सर मैं माँ कदम कहता हूँ, आपकी कोर्ट की जेब में भी हाथ नहीं डालता, आपके भाई को ऊपर कैसे हाथ डालूंगा? एक नया लड़का आया, उसी ने आपके भाई को मारा है सर, गलती हो गई सर। सर ये तो मेरा ही नंबर है पर मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। सर दरअसल कौन है रे? कल सुबह एक बूढ़े ने मेरा फोन काट दिया था, शायद वही बूढ़ा हो। इसके ऊपर हाथ उठाकर तिहाड़ जेल की घंटी बजा दिए। दरबार हाँ वीडियो कॉल सर, का भाई है जानता है तू? ठीक है तो फिर उसको जेल में जाकर उठा लेते हैं। उठा लूंगा ऐसे बोलता है जैसे भैंस का गोबर उठाएगा। तूने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ चलो। भाई 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 मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे ना। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब इसी आदमी ने मेरा फोन उठा कर दिया। मामूली आदमी को प्रॉब्लम होती है तो बड़े आदमी के पास जाता है, बड़े आदमी को प्रॉब्लम होती है तो उससे बड़े आदमी के पास जाता है, अगर उसको भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे बड़े के पास जाता है, अगर सबसे बड़े आदमी को प्रॉब्लम हुई तो वो मेरी तरह हो जाता है। इसीलिए चलो मेरे साथ चलो उस बड़े आदमी के पास। चलो मेरे साथ चलो। Are you sure? 100% sir. I am sure. He is the person. याने कि शंकर पांडे। भाई ये कौन है? बुलाओ उसे। किस तरह दिख रहा है? इसका नाम बद्री है। शंकर गौड़ी का राइट हैंड है। वो जैसे नारियल तोड़ रहा है ना, वैसे ही आदमी को तोड़ के रख देता है। उसे तुम मामूली मत समझना, उसे देखते ही लोगों की चट्टी गीली हो जाती है। भाई प्रेम क्या सेटलमेंट सत्या भाई, बहुत दिनों के बाद इधर है भाई। अरे एक सेटलमेंट करने आया था, बहुत गड़बड़ हो गई है। टेंशन मत लो भाई, अंदर बैठे हैं, हिम्मत से जाओ। ठीक है तुम संभाल के तोड़ना, कोयता की धार तेज है, घुस जाएगा। चलो रे। बैंगलोर में इतना बड़ा कारोबार है, अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी होगा, तो फिर ये ऐसे सिंपल ही रहता। सुनो तुम उस गौड़ी के राइट हैंड से संभल कर रहना। जब मैं सेटलमेंट करने वालों का एक सर्कल होता है तो दूर शंकर गौड़ी के सामने एकदम शांत रहना। कोर्ट में मुझे किसी ने नहीं आया। जीत के घमंड से कितना भी ऊंचा उड़ो, खाना खाने के लिए नीचे बैठना ही पड़ेगा, रोटी खाने के लिए सर झुकाना ही पड़ेगा। सच्चाई क्या है आज मैं तुझे दिखा के रहूंगा। शंकर गौड़ी की बेटी है वो, बहुत अच्छी। कटघरे में खड़ा ये इंसान मतलब करने के लिए आया। कौन हो क्या हूँ? इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते? अगर वो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि एक नजर मार कर मुझे पहचान जाए। और अगर ज्यादा बात की ना तो गर्दन काट कर दरवाजे पे लटका देगा। चुपचाप रहना। हाँ मिस्टर शंकर पांडे नाम का ये शख्स खुद को न्यायाधीश और अपनी बात को फैसला मानकर अधिकार का दुरुपयोग करने के जुर्म में नौकरी गंवा चुका है। यह सब होने पर भी अपने हाल को सुधारने के बजाय गलत राह पर चल रहा है। इसकी क्रूरता की बलि चढ़ने वाले एक छोटा सा करंट लगने के बाद शरीर में इतना झटका लगता है, अगर इन्वर्टर छू लिया तो जल के राख हो जाएगा। 16/9/2009 को डॉक्टर वी सिद्धगौड़ा साहब मरे और 30/9/2009 को फादर रिचर्ड स्टीवन को इसने मारा और आखिर में 14/10/2009 को सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारी मिस्टर प्रकाश सिब्बल जी के कत्ल की कोशिश करके उसमें नाकाम होके चुपचाप अच्छी जिंदगी जीने के बजाय गांव की सारी प्रॉब्लम अपने सिर पर ले लेते हैं। और ये सब क्या लेके आया है? सेटअप गेटअप रियल एस्टेट का बिजनेस है भाई, बहुत रफ बिजनेस है। और रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए गेटअप रखना पड़ता है भाई। ठीक है आपने कहा मैंने प्रकाश सिब्बल का भाई कोशिश की थी। क्या मैं उस चाकू को यहाँ पर देख सकता हूँ? हमारे मंत्री को भगा लेके भाई कत्ल मैंने किया है। आप कहते हैं फिंगरप्रिंट्स भी मेरे साथ आया है, इसे मैं अदालत में देखना चाहूँ तो क्या गलत है ऑनर? भाई मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कौन है वो? भाई मेरी माँ की कसम मुझे कुछ पता नहीं है भाई, वो आज ही मेरे पास आया था, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कह रहा था भाई। इस केस से जुड़े हुए लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को जो लड़का मेरी बेटी को लेकर गया है उसे गांव क्रॉस करने से पहले मेरी बेटी यहाँ मेरे सामने होनी चाहिए। और वो लड़का जिंदा नहीं बच सकता राव को अदालत में बुलाना पड़ा था, किसी को भी छोड़ना मत। शिफ्ट किया गया था आपको याद है ना? इनफैक्ट राजीव गांधी के कातलों का जब फैसला हो रहा था तब कोर्ट में कोई भी नहीं था। ए, मेरे साथ जो लड़का है ना वो लड़की को लेके भाग गया है, तू यहां सूट पहन के बैठा है, निकल जल्दी से। रहने दो मेरे कपड़े मत उतारो, मेरी इज्जत मत उतारो भाई। ये तो मैं काम करने वाले कपड़े दो इसे, फेंक दो इसके कपड़े। अरे मेरे कपड़े मत फेंको भाई। बोलिए
ये क्या कर रहे हो? चलो जल्दी चलो, गाड़ी तेज चलाओ। क्यों आना? देखिए और उसके हाथ में तू इधर आ। उस चाकू और उसके फिंगरप्रिंट दुश्मनी का नतीजा ही। और बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। जब आपको चैनल की टीआरपी बढ़ानी होती है और व्यूअरशिप बढ़ानी होती है तो ऐसे काम करते रहते हैं। चलिए हटाइए, आने दीजिए। अपना हाथ काटने की वजह क्या है? सच्चाई दिखाने के लिए किया। इससे आपकी जान जा सकती थी। कोई नया सवाल पूछिए। आपकी दुश्मनी किससे है? आपका उद्देश्य क्या है? कब तक आप लड़ते रहेंगे? आपके पीछे कौन कौन से लोग हैं? इन सब बातों की सच्चाई हमारे लोग जानना चाहते हैं। क्यों सर, सवाल सुनकर घबरा गए हैं? आपको जवाब नहीं मिल रहा है? सच्चाई जानना चाहते हो? इस तरफ चलो, चलो। उन सबको बुलाओ जिनका मैं नाम लूंगा। आपके हर सवाल का जवाब दे लाइव टीवी पे। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अदालत के सामने आपने अपनी हथेली काट ली, क्या ये एक गिमिक था? ऐसा बिल्कुल नहीं। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बस यही एक रास्ता बचा। आप कहना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करते तो इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ ऐसे ही नहीं, मतलब इसको क्या कहती है? तो और क्या कहूँ, जब तक पैसों के लिए केस लड़ने वाले होंगे इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो देखने की ताकत, देखने के बाद उनके दर्द को समझने की ताकत और उन्हें मुआवजा देने की ताकत आप में है क्या साहब? मुझे पता नहीं चला, लेकिन तुम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, वो लड़की को किडनैप कर लिया। तुम लोग ढूंढो उसे। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है, सिर्फ पार्टी दिखाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे। अरे हराम खोरो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। खाली तू भी यही है, जाओ पकड़ो उसे। तुम लोग एक चीटी भी नहीं मार सकते। तुम किसी काम के नहीं हो नालायक। फोटो से भगवान बाहर आ जाए तो कोई पहचान नहीं सकता। तो इन लोगों को कैसे पहचानेंगे? मुंह सोच जाए तो आपके माँ बाप आपको पहचान ही लेते हैं ना। जो मत कीजिए, जो करते रहेंगे तो लोग आपको जोकर कहेंगे। मेरा नाम जयलक्ष्मी है। सर हमें लिफ्ट दे दीजिए। आप लोग बहुत टेंशन लगा रहे हो। आ जाइए, गाड़ी में बैठिए। मेरा नाम श्रुति है। जब मैं दसवीं में पढ़ रही थी तो एक लड़का मुझसे प्यार करता था। घर आकर सुबह शाम वो मुझे परेशान करता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन तक वो मुझे दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही थी, अच्छा तो एक दिन अचानक आकर उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। ये एक बहुत बड़ी परेशान करता था वो मुझे। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे कह दिया कि मेरा पीछा मत करो। जब मैं बस में चढ़ रही थी तो पीछे से आकर उसने तेजाब फेंक दिया। मेरे जो पति हैं वो हमेशा मुझ पर शक किया करते हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा शराब भी पिया करते हैं। शक की वजह से ही उन्होंने ऐसा किया। मेरे पति हर रोज शराब पीकर मुझे मारते थे। खुद तो कुछ नहीं कमाते थे और मेरा काम पर जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। फिर भी मैं मुश्किल से नौकरी करती थी। महीने के अंत में वो सारे पैसे ले लेते थे। एक बार मैंने नहीं दिया तो वो गुस्से में आके मेरे साथ ऐसा सलूक किया। कॉलेज है आज, फर्स्ट टर्म एग्जाम का रिजल्ट आया। अरे को वैरायटी वैरायटी कहने वाला प्रिंसिपल आपको याद है? इस फंक्शन में कौन सी वैरायटी करेगा, चलिए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स को एक वैरायटी के साथ सम्मानित करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सुबह ही मुझे एक आइडिया है। तुम्हारे ऑफिसर कहाँ है? हमारे कॉलेज में बेस्ट महान रैगिंग स्टूडेंट्स को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए, वो तो मामूली बात है। मुझे आज हॉलीवुड में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर चुने जाते हैं, खराब एक्टर और खराब एक्ट्रेस भी चुने जाते हैं। गंदी गंदी बातें करता है। उसी तरह मैंने भी इस वर्ष हमारे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ वर्स्ट स्टूडेंट्स को भी चुना है। फाइल में ही सड़ती रहेंगी या फिर क्लियर हो जाएंगी? 24 घंटे में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सम्मानित करने की सोच रहा हूं। वैरायटी है बिल्कुल, आग से तेज होती है। हमारे कॉलेज में 98% रिजल्ट के साथ बेस्ट स्टूडेंट है। बोलिए
गोली से तेज होती है बुद्धि, हमारे साथ तो इन सभी से तेज है मैडम। सलामुअलैकुम साहब। क्या भाई शब्बीर, क्या हुआ? घर में अम्मी अब्बा सब ठीक है ना? क्या है तेरा लफड़ा? साउथ बेंगलोर पूरा हाँ मेरा है। ठीक है, आगे तो बोलो, जल्दी बोलो यार। वो एरिया मैं देखता था, नॉर्थ में शरीफ और ये बात है, और सेंट्रल सोमा संभालता था। अगर क्लास चालू रहती है तो ये कमीना घुस गया। लड़की खड़ी हो तो उसे आंख मारो। नमस्ते साहब। तो ये है वो खिलाड़ी, और लास्ट में डुबकी मारो। देखने में तो मच्छी बेचने वाला लगता है, ये कोई खिलाड़ी है? हमारे कॉलेज में 9% मार्क्स। अरे भाई ये बताओ, सारे रूल तुम लोग आपस में ही बना लोगे तो इलेक्शन जीतने वाले एमपीस क्या करेंगे? एक काम कर सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट को भी थोड़ा काम करने दो। ना मत बोलना, हम लोग अपने कपड़े उतार देंगे। तुम लोग उसे पहनकर हर आदमी का एक एरिया संभालना शुरू कर दो। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? हम में से किसी एक को इलाका छोड़ना होगा। कौन छोड़ेगा अभी बता दो। कोई वकील की दलील दे रहा साले? ए पहले जाके इसकी बात करवा। पुलिस वालों से ये सब काम करवाने लगे हो? निकलो, तुम लोग आपस में फैसला कर लो। ए निकलो, बात कर लो, जाओ। ए तू जा, सबके सब पागल, लफड़े मत करो, जाओ। कल नहीं है सालों को, हम आ ही रहे हैं, चल रहे। हाँ चलते, चलो। नमस्कार, नमस्कार। बोलो क्या बात है लखन? सर एक कंप्लेंट आई है। एड्रेस नंबर 5 बार बार वीरेश्वर निलय पाटलिपुत्र मेन रोड 43 लास्ट बस स्टॉप। अरे बाप रे बाप, क्या बात है! क्रिमिनल्स आजकल एड्रेस देके क्राइम करने के लेवल तक पहुंच गए। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बेटे अनिल, तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका यहां मिला था, लेकिन आते समय साले की अच्छी तरह खातिरदारी करके उसे गवा दिया है। कल तो खत्म हुआ कि नहीं? सर 5 मिनट दीजिए सर। साले कमीने, अगर इतना टाइम होता तो देश कैसे बर्गर है या रंगीन कपड़े है भागने के लिए? भगवान हमें देगा तो हम खाएंगे, लेकिन ना वो दे रहा है ना हम खा रहे हैं। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे यार? सर रिपोर्ट के हिसाब से लड़की की उम्र 18 से 20 के अंदर है। मेरे बाप को पता चला कंप्लेंट में इसे घर के कितने लोगों का नाम है देखो। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो ब्लड ग्रुप किसके लिए छोड़ा ये देखता हूँ, उसके बाद हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कैरी ऑन कैरी ऑन। जो भी दादागिरी करनी है अपने घर के अंदर दिखाओ। अगर बाहर आए लफड़ा किया, दादागिरी की और तुम्हारी वजह से पब्लिक को परेशानी हुई ना, तो तुम लोगों को अंदर नहीं करवाऊंगा। इधर वजह क्या है बेटा? सीधा एनकाउंटर करवाऊंगा। आपके बेटे के बारे में दो चार बातें करना चाहते हैं। इधर इधर इधर। पिछली बार जो मैंने तुम्हारी तारीफ की थी, वो तो अभी तक मेरे कान में कफन तैयार कर वालों सालों ऊपर जाने वाले हो। वो तुम्हें गाली देते हैं या मुझे गाली देते हैं, मेरी समझ में नहीं। तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, तू मेरी बात मान ले। तू ऐसा कर, अपनी माँ को लेकर। ऐसे भी साहब को ज्यादा ही जोश में लगते हैं। एक दो महीना अरे तुम बाहर तो आओ ना, बताते ये भी लाइन पे आ जाएंगे। क्या है जी? भाग्यवान, दरअसल इनके कॉलेज के प्रिंसिपल मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आज ऑफिस में मुझे कुछ काम है तो तुम चली जाओ। हमेशा तुम जाते हो, लेकिन इस बार मैं क्यों? वो ऐसा है ना, किसी बहाने तुम जरा प्रिंसिपल से भी परिचित हो जाओगी, है ना? ये बात तो ठीक है, तुम रुको मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन इस हादसे के बाद उसने नौकरी छोड़ दी है। जिसने मुझे हफ्ता देने की बात बोली थी डैडी, ईमानदारी से बताओ कि वो कौन है तो वो अकेला मरेगा। बचाने की कोशिश करोगे तो सबके सब मारे जाओगे। सीधे खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। क्यों भाई? तो इसलिए उस होटल वाले के पास उसका एड्रेस लेने जा रहा हूँ। वेरी गुड कृष्णा, कीप इट अप। इस बारे में सोच रहे हो? फिनिश इट टुडे। अगर तुम लोग मन से काम करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्या कुछ भी हासिल कर सकते हैं सर? जो चाहोगे वो। वो कैसे सर? अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करना पड़ेगा और क्या? अब इस सालों पानी में डालूंगा तो सिर्फ डूबोगे, हवा चलेगी तो सिर्फ उड़ोगे, आग लगेगी तो सिर्फ जलोगे, लेकिन इस पुलिस वाले से पंगा लोगे कैसे करोगे सर? तो मारे जाओगे। इस जन्म में तुम लोग सुधर नहीं सकते। शंकर IPS, ये तो अपनी माँ को भी लेके आ गया। मम्मी पापा तो आए नहीं, हम क्या जवाब देंगे? कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग हर अंदर करीब 7-8 लोग बैठे हैं, सभी के पास हर तरह की वेपन्स हैं। सब बस वो अभी आ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट आंटी, जरा इधर आना। क्या हुआ? क्या यार, तू तो अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आ गया। में तेरी माँ मेरी माँ का नाम बता देगी तो टेंशन मत ले यार, मेरे पास इसके लिए प्लान है। क्या बात है बेटा, कैसे निकलेगा? क्या बात है? कुछ भी नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं आंटी। चुपचाप खड़ा रहना मम्मी, वो मैं प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ। सुन बेटे, मैं बताता हूँ ना, जब माँ के पेट से बाहर आने के लिए मैंने डिसाइड किया था ना,
तो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं रोका, डैडी को बुलाया, डॉक्टर भी मुझे नहीं रोक पाया, तो ये मामूली सा इंग्लिश में ही बात करता है, क्या रोक पाएगा? और तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है मम्मी। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि कृष्णा की मम्मी को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो सोचो मेरे कॉलेज में क्या इज्जत रह जाएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तब तो ठीक है, मुझे क्या करना होगा ये तो मुझे बता दो बेटा। ठीक से देखो, मैं ऐसे करूंगा तो नो बोलना, ऐसे करूंगा तो ओके बोलना, और ऐसे करूंगा तो ऑल राइट बोलना, ठीक है ना? अरे इंग्लिश इतनी है क्या बेटा? क्या इंग्लिश है ही नहीं? चुप कर। मेरा प्यारा बेटा। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। माय मदर सर। नमस्ते सर। अच्छे हैं ना? सर इवन शी इज अ ग्रेजुएट सर, यू कैन स्पीक टू हर इन इंग्लिश। इज इट गुड? वेरी गुड, वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेट your son is not so good. No, no. Your son is not attending the class regularly. Even if he attended, I received a lot of complaint on him. Okay. Okay? What did you say? Okay. What's okay? I'm trying to tell you very seriously. Please try to understand, madam. Right. Did you say right? No. What is right? I am telling you, this is the last warning. Madam, I have never seen a mother like you. Okay. What's okay? Now I know how children are spoiled by their mother. Okay. It's okay for you? How can it be okay for you? Don't have any brain? Right. Huh? Please, somebody help me. What's happening here? Yes, sir. Right. If I spend some more time with you, I'm sure I will forget everything what I've learned. Please, I'm telling you, your son is far, far better than you. All right. Right, at least you got it. For a God's sake, please don't talk. Will you please do me a favor? Yes, sir. Will you please take her away and save me? Please. Okay, sir. Ab agle saal aaye. Namaste, sir. Namaste. Haan, theek hai, jao. Kya mother hai. Next. Yes! अरे कृष्णा, जिस तरह हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो गया, और हमारी इज्जत बदली। सुन बेटा, मैं जा रहा हूँ। भले ही भाषा में समझ नहीं पाता, चल भाग यहाँ से, लेकिन भाव में समझ पाती हूँ। अंदर चल वरना चमड़ी उधेड़ दूँगा। कॉलेज में बहुत मस्ती कर रहे हो। मैं मजाक मस्ती करने के लिए मना तो नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई भी जरूरी है, उस पर ध्यान दो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, बहुत उम्मीद के साथ माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज में जाने देते हैं। उनके सपनों को इस तरह से मत तोड़ो। नमस्ते साहब। तुम लोग मन लगा कर चलोगे। बोला ना गाड़ी में बैठ। अरे बैठो सालों, अंदर खालो फेरता रहूँगा। बहुत बड़े गुंडे बनते हो। चलो चलो अंदर। और मार खाओगे। चलो अंदर। चुपचाप बैठ। अरे सब लोग चुप रहो। सर। अरे भाई। यही है सर विनय, जो एड्रेस देकर क्राइम करता है। पानी वेस्ट मत करो, बंद कर दो। जो दिमाग बंदर में होता है इंसान में नहीं होता। टीवी नहीं देखते क्या? जाओ अपने मालिक को बुला लाओ। मैं जानता हूँ, मुझे मत समझो। अकल देने वाले कुमार जी कैसे आज हैं? गरीबों को कपड़े दान करने हैं, इसलिए कपड़े लेने आए हैं। जाकर बोलो, तुम सब शक्ल से तो चोर नजर आ रहे हो। पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जाकर बोलो। तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रहा है, नहीं होता ना? मगर ये बटले के ऊपर मुझे शक है तुम्हारा। तुम लोगों को शादी करवाने को दिमाग का दही मत करो, चुपचाप जाकर तुम्हारे मालिक को बुला कर लाओ। नहीं बुलाओ तो क्या करोगे? हम क्या करेंगे? जोक्स भेजने और वीडियो बनाने के लिए अपनी माँ और अपनी बहन का वीडियो बना के शहर भर में दिखाना साले। अरे तुम लोग यहाँ? घूर रखा है तू? जानती हूँ चाचा, ये हमारे कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। गटर में फेंक दूँगा साले। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? साले टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। यूज़ मत करो। अच्छे स्टूडेंट पता साले, इस देश का भविष्य क्या होगा पता? तो जैसे लोग होंगे तो इस देश का क्या होगा? इस आदमी को ले जाकर खूब पिटाई करो। बैंड बजा दो। नंदिनी, ये क्या कर रहे हो? सारे कपड़े इन्हें दे रही हो, फिर हम क्या करेंगे? नमस्ते। अच्छे काम के लिए है चाची। मुझे पता है माँ जी, घर में और कपड़े हैं। लड़की के माँ बाप क्या देखते हैं? देने दो। कई सालों तक आप लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। थैंक यू। और इन कमीनों ने आप ना हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हो बेटा? इन कपड़े में अच्छे लगते हो। ए कर ले मजाक, कर ले। मेरी बेटी आप लोगों को बड़े प्यार से भाई कह के बुलाती थी, और उसे
मेरे अम्मी से मार डाला आप लोगों ने, क्या बिगाड़ा था? हमारे जमाने में भाई कहने पर अनजान इंसान भी बहनों को घर तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। भाई भाई कहते हो इनको? भाई भाई कहलाने के लायक है ये लोग? इन कमीनों को शूट करके मार डालता हूँ, खत्म करता हूँ आज इन लोगों को। ले जाओ इनको, खत्म कर दो। हिस्सा लेने का सोचा है। ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसे ही पेश आऊंगी, ये है आपके विचार? अच्छे कपड़े उतारने के लिए कॉन्टेस्ट अलग से होते हैं। दिनों में मेहरबानी करके पहली बार किसी ने अगली बार कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको फोन पर इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं देखूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। एक कमीनों की खाल खींच दो, एक कमी मत छोड़ना, उन्हें बचाने कौन आएगा देखता हूँ। साले कमीन, आपसे एक बात कहूँ? अब क्या हुआ? डिपार्टमेंट में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आज जो मेरी लैब में मदद की, आप भी जरूरत बनिए समाज के लिए हमारी तरह। प्रोफेसर समाज में कुछ करके दिखाइए। तुम्हें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन तुम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। मॉडलिंग क्या करूं नंदिनी, एक इंसान को अच्छे से रहने के लिए उसको अपना रंग ढंग बदलना चाहिए। और ये सारी खूबियां हमें नहीं है, उनको देखो ना। क्यों भाई विनय कुमार, खाना खाओगे क्या? क्यों खुश नहीं रहेंगे? पहली बार समाधि बिरयानी और शराब दिलाएंगे ना? उनमें से एक भी सही नहीं दिख रहा है, सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। जरा इन पर भी ध्यान दो बेटा। यशोदा मैडम, यहाँ ये। वाह क्या बात है, क्या बाल है तेरे, तू तो हीरो लग रहा है। मैडम आइंदा ये किसी लड़की को देखे तो उस लड़की से ऐसे राखी बंधवा देना, यही ट्रीटमेंट चाहिए। उसे भी पढ़ाई के नाम पर घर से पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन मजे उड़ाता है। पहले जैसी नौबत आनी है। कृष्णा, तुम लोगों के बारे में और बताऊं या निकल रहे हो यहाँ से? ये बुक लेकर जाओ और इसे अच्छी तरह से पढ़ना। और ये मेरा आदमी है, चुपचाप छोड़ उसको। मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ। तेरे पीछे महज 8 स्टेशन होंगे और मेरे पीछे 8,00,000 लोग मौजूद हैं, समझे? कैसे कैसे दिन दिखाएगा ओ कृष्णा? कुत्ते या सुअरों के झुंड और हाथी में बहुत फर्क होता है, शायद आपको पता ही होगा। मुझे कुत्ता बोल रहा है तू? क्या पढ़ रहे? अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 मिनट में तेरे बदन से वर्दी उतरवा सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। इस उम्र में अगर हड्डी टूट जाएगी तो मैंने खाना खा लिया तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डॉक्टर चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह सोच लो। अरे ये क्या है, तुम खाना ऐसे लेकर आ रही हो? उसको खाना नहीं दिया क्या? उसे परेशान मत करो। देखो बेटे, मैं यहाँ आया हूँ तोड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। पढ़ाई कर रहा तोड़ने का इरादा कर लिया मैं कहीं सपना तो ऐसे तोड़ता हूँ कि वो फिर नहीं जुड़ पाता, और जिसे तोड़ता हूँ वो जान छोड़ देता है। दिमाग खराब हो गया ना तो जान से मार देता हूँ मैं। बस एक बार पता चलना चाहिए कि किसी ने गुनाह किया, अगर उसकी सिफारिश नहीं आती भगवान तो उसी दिन मार देता पड़ रहा है, और अगर सिफारिश आती है तो उस दिन छोड़ देता हूँ, अगले दिन धोता हूँ, वापस आके धोता हूँ, जहाँ मिले वहाँ धोता हूँ। गलती की तो मारता हूँ, नहीं की तो गलती करवा के मारता हूँ। ये देखो तुम क्या करना चाहते हैं, खड़े हैं। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, कोई सिफारिश मेरे सामने काम नहीं आएगी। कोई भी काम का नहीं है, सबके सब बेस्ट हैं। मुझे पढ़ाई करनी है। बैठ इधर, पढ़ाई तो सबको ही करनी है यार। आज रात किसी तरह तुम लोग इधर बैठ रही हो ना, चल अभी थोड़ा ड्रिंक पी और इधर बैठ के एंजॉय कर। एसीपी, ये जो तू कर रहा है अच्छा नहीं है, बहुत पछताएगा तू। हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसको देखकर तुम लोग भी थोड़ा पढ़ा करो। आप भी कोई दूध के धुले नहीं है सर, लाइक करते हैं ऐसे हरामियों का साथ दे रहे हैं आप। जाओ जाओ, हमें जो पता चला है हमारा बेटा। सर एक बार कंकाल के बारे में आप जो तहकीकात कर रहे थे, हमने सुना है कि वो सॉल्व हो गया, क्या ये सच है? सुना है कि केस बहुत दिलचस्प था, कैन यू एक्सप्लेन इट? इस केस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हमें एक खोपड़ी मिली थी और कुछ हड्डियां भी मिली थी, उन्हें हमने लैब टेक्नीशियन के पास भेजा और उन्होंने इसका अच्छा सा फॉर्मेशन किया तो हमें पता चला कि एक लड़की की खोपड़ी थी। और जब मैंने और मेरी टीम ने इन सारी लड़कियों की लिस्ट बनाई जो शहर से गुमशुदा थी, उन पैरों कलेक्शन को हमने लैब में भेजा और डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला कि मरने वाले की उम्र 18 से 25 साल के अंदर की थी और यकीनन ये किसी लड़की की ही खोपड़ी थी। बस हमारी आधी समस्या सुलझ गई। आगे शॉर्ट आउट करने पर इस उम्र की कुल 6 लड़कियां मिसिंग थी, हर फैमिली के ब्लड सैंपल हमने लैब में भेज दिए और वो मैच हुए सिर्फ इन पेरेंट्स के साथ। बाद में पता चला कि उस लड़की से राखी बंधवाने वाले कुछ कमीनों ने उसे ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। चंदा को कोई संदेश देना चाहेंगे?
शंकर पांडे इज इन एक्शन। इस देश में प्रजातंत्र है, यहाँ चलना चाहिए प्रजा का राज, लेकिन यहाँ चलता है गुंडों का राज, इसीलिए मैं चलाता हूँ पुलिस का राज। जीने की इच्छा है तो बदल जाओ या भाग जाओ, दोनों नहीं कर सकते तो जान से जाओ। तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे बारे में लोग बुरी बातें करेंगे ना। अरे तुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? शुक्र है कि साहब को पता नहीं चला कि तुम मेरी बेटी हो। एक तो बड़ा हिसाब की आदमी हो बंदा। पहले कभी देखी नहीं तू कौन है पर फैशन मॉडलिंग में से इंडिया बोलती है। दिल में उतरी खूबसूरती जो है ना वो बदन में नहीं मन में होती है, देखने वाले की नजरों में होती है। ऐसा है तो नेक नजर से देखना चाहिए, इसे क्यों बुरी नजर से देखते हैं? दिल से नहीं चाहिए। हम पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, ये खाने में मेहनत करती है। इसको 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 बिगाड़ कर रख दिया तुमने। सुनिए, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को ही ले लीजिए ना। इन दोनों ने नाम और पैसे नहीं कमाए, पर मैं पैसे कमाना नहीं चाहती। I just want to help poor and handicapped। बेटी, तेरा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन जो राह तूने चुनी है। डैडी, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? इतना ही काफी है। तुम इस इंडिया कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो गई हो। वी आर प्राउड ऑफ यू। कॉलेज की तरफ से तुम्हें हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। तुम इतनी बहस क्यों लगाई? वैसे भी तुम एक महीने की छुट्टी तो ले चुकी है ना? अब जीना तेरे बिना बन गई है तू सांस मेरी। Participating in the finals of Miss India pageant and your company is Gordon. Aaj match mein sabse acha student hai. Oh, you bet. Tu match mein first aaya hai kya? Haan bhai. To tu mujhe ek baat bata. Is college mein tere se aur kisi ko match nahi aata? Aata hoga lekin mujhe nahi malum. Tu bahut hoshiyar lagta hai re. Ye pen tujhe dikh raha hai na? Miss India competition mein chuni gayi hai. I want to help her on finance side. Dekh kya raha hai bhai? Help karna chahte ho? Ye help kar chuke. Ab nikal re khajur. Already I did. When you invest in something, you get back something. That's business. Got it? अबे हिलते डुलते लंगूर, अपने आप को माइकल जैक्सन समझता है क्या? नहीं, मुझे पूरी कर रहा था क्या? नहीं, कर रहा था मिनिस्टर। ये एंटीना है क्या? टीवी का वायर है क्या? कुछ नहीं, इसको कान में डालकर हिलते डुलते आ रहा था, सबसे टकराता है। चौड़ा रास्ता चाहिए क्या? पिट्टी जैसा दिखता है फिर भी चौड़ा हो रहा है। नहीं भाई, आधे घंटे के अंदर सर मुड़वा कर मेरे सामने आ, नहीं तो मुंह काला कर दूंगा। इसको याद रखिएगा। चल चल निकल रहे लगो। लोगों पर रूल कर रहे हैं। ए जगदीश, कुछ बताने वाला था बता ना। एक लड़की से प्यार करता है, उसने हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं इज्जत देता हूँ पर शख्स को नहीं, शख्सियत को। अरे बेटा, ये सब बताना जरूरी था क्या? उस लड़की को हेलो। हाँ बोलिए सर। I don't think your dad will support Krishna? me. मेरे डैड को कन्विंस करने का काम वो नंदनी है ना? You don't worry about it. Just concentrate on your work. That's it. Okay? All the best. Thanks.
ये अभी कहाँ मिलेगा? बाइक पे लेके जाता है, जानता नहीं कि हम लोग कौन है। बताओगे तब तो मालूम पड़ेगा। ओए, रजनी को बाइक पे कहाँ ले जा रहा था रे? अच्छा ये बात है, मैं उसका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड। मैं बात करता हूँ, फ्रेंडशिप रखना है तो सिर्फ भाई और भाई से काम चला। उसको बाइक पे बिठा के चिपक के होटल कैफे सिनेमा पीवीआर जाके घुमाना तुम्हारा काम नहीं है। इसको प्यार करने वाला ये है, ये किसको घुमाएगा? ए मोटे, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ और नंदिनी सिर्फ मेरे साथ बाइक पर घूमेगी। अगर तूने उसको बाइक पर घुमाने की कोशिश की तो मैं तेरी। जीतना ही है एवरी डे, जीतना ही है एवरी डे। तुमने इसे ऐसा क्यों बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने तुम्हें एक बुक दे दी, इसका मतलब प्यार नहीं होता। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपने दिल से ये बात निकाल दो। गुस्से में मैंने बहुत बात की, तुम कहो तो मैं उसे सॉरी बोलता हूँ। ए मोटे, सॉरी बोल रहा हूँ, और इसे भी जी नहीं भरा हो तो मुझे आके मार। कहो तो तुम भी मर सकती हो नंदिनी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम्हें बाहों में थोड़ी ना पकड़ा है, मैंने तो तुम्हारे पैर पकड़े हैं। कम से कम प्यार के लिए नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ कह दो ना। ओके ना? तुम एकदम पागल हो गए हो। रेस्ट कर रहा हूँ, तो मत बता। हम सब समझते हैं, प्यार में ऐसा होता ही रहता है। सुन ले, जो लड़की प्यार नहीं करती उसे डराएगा, धमकाएगा, उसे हट करे, लेकिन तू तो उसके पैर पे गिर गया। अपने प्यार के लिए पैर पकड़ लिया तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि तू एक लड़की का प्यार पाने के लिए उसके पैर पकड़ रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? मान मर्यादा सब भूल के तू ये सब कर रहा है। वो सब खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस किसी तरह नंदिनी मुझे मिल जाए। It's good. ये तो पागल हो गया। So next month, definitely वो Miss India crown तुम्हारे सर पे होगा। I hope so. ये सब आपकी बदौलत हुआ है। मैं आपको कैसे thanks कहूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। Hello? मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? मेरे साथ तुम हर चीज़ शेयर कर रही हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हूँ, समझे? लंच, डिनर, मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो तो तुम पहले ही हो। थैंक यू। तुमने जो मुझसे बात की वो मेरे लिए बहुत है। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर की तरफ। Idiot. आप इतने चीप हो सकते हैं, ये मुझे पता नहीं था। What do you mean by cheap? It happens. No, I am not ready for this thing. Just think over it. Look, तुम मेरी एक दिन की रानी बनोगे तो आगे भारत की रानी बनोगे। I mean, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर की तरफ। You slapped me. Not you only. अगर इसी तरह बिहेव किया ना तो तुम्हारे डैड को भी मारूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम पर हाथ ही उठाया है, फिर से कहा ना तो सैंडल टूटते तक तुम्हारे मुंह पर मारती रहूंगी। गुड नाइट। ये तो सचमुच पागल हो गया। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट तक कैसे पहुंचेगी मैं भी देखता हूँ। क्या हुआ? आज के बाद से इसे ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा। ओए यू, थोड़ा साइड हो जाओ ना, मुझे भी सोना है यहाँ पे। आउट। दिखने में तो तू अच्छा है। रिलैक्स। इतने अच्छे घर का होने के बाद भी तुम्हें फुटपाथ पर मेरे बगल में सोने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सब कुछ है, लेकिन वो ऊपर वाली है ना, मैं वो ना होने से पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। बेटा सोच समझ के फैसला करो। मैं उस लड़की से सच्चा प्यार कुछ तो करेंगे। अब उसकी यादों में मुझे फुटपाथ पर सोना पड़े या फाइव स्टार होटल में रहना पड़े, बात तो एक ही है। ओ, नया प्यार है। करेक्ट पहचाना आपने। अब मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सुनना चाहोगे? हाँ बता ना बेटा। खूबसूरत लड़की जब भी गुस्सा होती है तो उनको ठंडा करने की एबिलिटी सिर्फ उन लोगों में होती है। ये बात वो नहीं समझेगी। मुझे तंग करते रहता है, मैं पुलिस में शिकायत देने गई। क्या चांद, तू भी आंखें खोल खोल कर ऐसे मेरा तमाशा देख रहा है? जा राउंड मार के आ जा, अभी तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से, चल। थैंक्स, अलविदा, कल मिलेंगे। Bye. वो पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट नहीं करना चाहती। बात करने की आवाज क्यों आ रही है? उसे पता भी न चले कि तुम पुलिस वाले हो। हेलो,
कितने दिन से तू मिली नहीं। गुड नाइट। हेलो, उधर क्या देख रही है? इधर देख। तू कहीं भी जा पर कुछ नहीं कर सकती। उसने तो गलत ही समझ लिया। समझी ना? कल रात को मेरे घर पर काम पहुंचा। कौन है तू? रोज रोज फोन करके डिस्टर्ब करता रहता है। मैं नहीं जानता ना, शंकर को तो जानता है ना। कोई टाइम पास करता है तो कोई सीरियस होता है। तुम ही डिसाइड करो कि इनमें से तुम किसे चुनोगे। जहाँ तक कृष्णा का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्यार है तो कृष्णा को समझता है। अब तुम उसकी फीलिंग्स को थोड़ा समझो और उसे प्यार से मिला। नमस्कार सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कंपनी में मुझे देर तक काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं रोज घर लेट पहुंचता था सर। उसकी वजह से मेरी बीवी झगड़ा करती है। वो मुझसे कहती है कि मैं उसको संभाल नहीं पाता, उसका ख्याल नहीं रखता, इसलिए वो कोर्ट में जाकर के मुझसे तलाक लेना चाहती है। सर मेहरबानी करके मेरा ये केस आप हैंडल कर लीजिए सर। ये डिवोर्स केस है, इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तुम इस केस में 2,00,000 रुपए खर्चा कर सकते हो? नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वैसे भी मैंने अपना काम खो दिया है सर, इतने पैसे मेरे पास नहीं है सर। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे लायर हो सर। सर मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मेरा केस हैंडल कर लीजिए सर। देखो, हम लोगों की किस्मत में भगवान ने जो लिख दिया है, किसी इंसान में भी ताकत नहीं है जो उसके नसीब को बदल दे। चॉकलेट दिया, ये बात कोई फीस नहीं लूंगा। तुम्हारी हालत देख के मुझे दया आ रही है। आई विल हैंडल योर केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा नाम क्या है? उसने तुम्हारे पैर क्या पकड़ लिए? तुम जैसे देश प्रेमियों को नहीं डियर, हम याद करते हैं। जो गुस्से में रहता है वो कॉलर पकड़ता है, जरूरत में पैर पकड़ता है। मेरा बर्थडे तो कोई नहीं मनाता, भी नहीं कर सकते। बाकी सारे लोग अपने बच्चों के बर्थडे अपने घर के अंदर मनाते हैं, लेकिन तुम्हें बाहों में छोड़ी ना पकड़ा है। मैंने तुम्हारे पैर पकड़े हैं, कम से कम प्यार के लिए नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ कह दो ना। ओके ना? प्यार कर बोल के सीधे पैर पर गिर गया। पैर पर गिर गया प्यार करने के लिए? वो इतनी खूबसूरत है क्या? तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम यहाँ काम करती हो? जानते तो हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो, मेरी माँ सपोर्ट करती है। अब तो हर घर की यही कहानी है। Who is your father? सुरेंद्र नाथ, आपके स्टेशन के सेंट्री। मैंने जब कहा कि मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाऊंगी तो बदन दिखाकर ताज पहनना कौन सा बड़ा काम है, ऐसा कहा था आपने। मुझे नाम कमाना है, मेरे होश उड़ गए यार। फिल्मों में एक्ट करना चाहती हूँ, ऑटोग्राफ देना चाहती हूँ। सिर काट कर मैं इसके पैरों में रख दूंगा भाई। एटलीस्ट साल में एक बार तो इन सबको कपड़े दिला सकूं। हम किसी पर भी निर्भर ना रहे, ऐसी भावना में पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन इन सबके लिए थोड़े पैसे चाहिए, यही ख्वाब है। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा, पहले तो मैं बहुत खुश रहती थी अगर तुम मेरे साथ आओगी। लेकिन अनाथ आश्रम में आने के बाद घर वाले भी सुखी रहेंगे। मैं भी गरीब हूँ, भगवान ने मुझे भी धोखा दिया है ऐसा लगता है मुझे। मिस इंडिया के अंदर भी कोई मदर टेरेसा छुपी है, मुझे करने के सपने देख रहा है क्या? हाँ, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, ये सच है क्या भाई? यस, तुम जरा साइड में। एसीबी शंकर पांडे बोल रहा हूँ। आप तो इतने बड़े भाई हो, 5 मिनट के बाद आप स्टेशन आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात है। जाने दो ना, ए तुम चलो, मैं सेटलमेंट करके आता हूँ। तुम रुको। ओके, अच्छा वो मोटा इसको अपनी बाइक पर लेके गया, तो तुझे गुस्सा आया? अब मैं उसको बाइक पर लेके जा रहा हूँ, मुझ पर भी गुस्सा करेगा? नहीं देखो, ड्यूटी, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस के नाम पे पूरी जिंदगी गुजार दी। चल तो मेरे साथ। सुरेंद्रनाथ साहब, सर सब बच्चे पैदा करते हैं, आपने तो माँ पैदा की है सर। हाय। हाय, कॉफी? नो थैंक्स। गुड, आप शिल्पा के बारे में क्या कहेंगे, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जीतेगी या नहीं? शी इज क्वाइट प्रॉमिसिंग, बट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कर देंगे। पर कौन? पांडे सर ने बताया उस लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए काफी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं। हम एक बार इनसे मिलना चाहेंगे, सो दैट वी कैन डिसाइड नाउ इटसेल्फ। हेलो, आई एम शिल्पा,
6 years of age, student of second year BSc, and I have been selected as one of the final 20 contestants for the Miss India pageant. रास्ता अलग मेरी ओर से तुम्हें बहुत बड़ा नमस्कार अब मैं चलता हूँ आज तक हम सिर्फ एक दूसरे के लिए लेकिन आज से हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए हैं मेरा
पहचान है तू मेरी जिंदगी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी हर खुशी। मिस्टर पांडे, कृष्णा, ऑफिसर इज ऑन लाइन। किस बात का टेंशन है? मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा और उसके लिए हाँ भी कर दी, और दूसरी तरफ नंदिनी का रिश्ता उसके घर वाले किसी एनआरआई के साथ फिक्स कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। क्या बात? कैसा रिश्ता? अटेम्प्ट टू रेप सर। पैसे वाले और कुछ पॉलिटिशियन शंकर कौड़ी की समझते हैं कि पूरा देश उन्हीं से चलता है। क्या मंडिया? इसलिए मंडिया गांव बोले तो पूरा आतंकवाद से भरा पड़ा है। मंडिया से शंकर कौड़ी के हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं ला सकते। चोर के घर में चोरी करने में कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। शंकर गौली के घर से उसकी बेटी नंदिनी को लाने में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। नंदिनी को इस तरह से लाना इतना आसान काम नहीं है। फोन उसको दो। ये काम तो 100% कॉटन और 0% पॉलिस्टर की तरह बुद्धिमान आदमी तो सिर्फ एक ही है। कौन है वो आदमी जो पूरे कर्नाटक में फेमस है? ये जो नए लड़के आए हैं वो है एसएमएस हायर ऑफिसर का वेटी नहीं है। सेटलमेंट सत्य इट्स बेटर उसके पास जाकर काम मार ले और काम करते हुए कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं है कि तेरे घर का तेरी आंखों से आग निकलेगी और मैं मौन नहीं हूं जो उससे पिघल जाऊंगा। आंखें उखाड़ के तेरे मां-बाप के गले में लॉकेट बना कर डाल दूंगा। चल साले, और तुम्हें प्यार में कहीं कुछ भी नहीं है, और इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ होता है तो घर वाले डिस्कस नहीं करेंगे। I am Rajendra. वाकई में बहुत सुपर है। तुम लोगों का ये प्लान फैंटास्टिक प्लान। This is my wife. नमस्ते। इस बात को लेकर के तुम लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल कूल रहो। राजा जी जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। लो सुनो। चल। ये मिडिल क्लास और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ही बहुत डेंजरस होते हैं। माय वाइफ नमस्ते जी, और आपके बच्चे? अब वो जरूरी है क्या? लो क्लास वालों को पैसे देते हैं, हाई क्लास वाले को इसे बहुत कॉमन समझते हैं। की बात करते हैं। देखिए, पूरी सोसाइटी में दूरों से नफरत करने वाली बसने की कॉम्बो है। आप बताइए क्या करें? अच्छी बात है, ये शादी नहीं हुई है, दूसरा कोई वारिस भी नहीं। हेलो, अंजुरा और मंजुनाथ ऐसी सजा दूंगा जो आज तक किसी ने सुना तक नहीं होगा। आईपीसी सेक्शन में भूलने पर भी नहीं मिलेगा। पहले तो जेल के बाहर तो आ जाए, उसके बाद भी तेरा खून इसी तरह से खोल रहा है, तुझे ठंडा करने का उपाय ढूंढ ले। आपका बेटा कहाँ पर है? क्या वाला मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। शंकर पांडे, भगवान तू ही मदद कर। सर, कृष्णा,
आवाज निकाली तो पकड़ के मारूंगा, बता दो उसे। अदालत में देख लेंगे उसे। हमसे पंजा लेने चला है। कैसा लड़का है? नमस्कार। तेरी फट गया ना? मुंह बंद कर। तुम टोली के साथ आए हो? बेल के कागजात भी साथ लाए होंगे। सब ठीक है ना? सड़क छाप कुत्ते को छुड़वाने के लिए। मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। गले में सक्रिय का नाम का बिल्ला जो पहना था, इसीलिए मैं उसको कुत्ता समझ मेरे साथ खानदान का है ये लड़का। अच्छा, और मुझे देख कर क्या लगता है? रहने दे भाई, बता दो ना भाई। अरे रहने देना भाई। क्या बात, मजाक क्यों करता हूं? बेटी की जान से ज्यादा ड्यूटी प्यारी होगी। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है रेलवे ट्रैक पे जानवरों को भगाने वाले चरवाहा हो, ठीक है ना? पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इन द कॉन्टेस्ट। मजाक कर रहे हो ना? सही बोला ना? हमारे पीछे क्या है? डी ऑन द मिनी का क्या इसका बड़ा मार जिसकी इज्जत नहीं। चल इधर निकल, इधर कहां जाता है वो? सरान पे चलने वाली लड़की को पता होता है मेरा मजाक उड़ाता है साला। ए कृष्णा, साबित कर सकती हूँ ऐसा नहीं, मगर ये साबित करने के लिए अदालत में एक बार जब अदालत में आ जाओगी, वहाँ पर क्या क्या होगा, कैसे होगा, तब तक तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। बदला लेना है या फिर कुछ हासिल करना है? गलती हो गई है, ओके, सब ठीक हो जाएगा। गटर खोदने जाओगी तो बदबू भी ज्यादा फैलेगी। वैसे भी तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए पैसे चाहिए। पैसे ये लोग दे देंगे, पैसे लेकर ये केस सेटल कर दो। आप ऐसे में सत्या हो रहा है? कोर्ट में पहुंच गई तो इस केस को जीतने के लिए मैं तुझे सर आपके यहाँ पर एक मस्सा होता था, वो कहाँ गया? और ये सब क्या है, क्या हाल बना रखा है? जब आदमी का वक्त बुरा होता है तो बस एक बात कह दो कि ये केस जरूरी है। वो तो ठीक है, पर इधर कहाँ जा रहे हैं लोग ही क्या? दलालों के साथ साथ सरकार के बड़े मंत्री भी क्यों ना आ जाए, सबको उंगली पे नचाने का वादा करता है ये शंकर पांडे। लेकर जा रहा है, आप उसके साथ जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है सर? अरे मेरा कोई चक्कर नहीं है। आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए, हम करेंगे। मैं कहां जा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, कहां सो रहा हूं, इस बस से मेरा क्या संबंध है? मुझे कुछ पता नहीं है, बस ऐसे चला जा रहा हूं। आप लोग लड़की के मां-बाप हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? जाने दीजिए सर, इसे यहीं खत्म करते हैं। मैंने कहा था मॉडलिंग मत करो, लेकिन सुनाई नहीं। मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंता मत करिए सर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान बहुत बड़ा है। ए, खड़े हो जा। क्या हुआ सर? खड़े हो जा, खड़े हो जा, बोला ना। एसीपी साहब, वो हंसते रहेगा, लड़के मैं को तुरंत छोड़ दो। इस बस में इनके साथ घूमते रहूंगा, ये लोग खाना खाएंगे और मैं उसका बिल भर दूंगा। अब इन सब बातों से मेरा क्या संबंध है? तुम ही बोलो, जल्दी से जाओ यहां से। इस बस में तुम मुझे दोबारा देखना मत। जा के बेटे को क्यों पकड़ाया तुमने? यहाँ लाने के बाद लोग हंसते रहो, मजे करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कितने मिले हैं? सुनो बाकेलाल, छोड़ो, वैसे भी इन कुत्तों के लिए हवालात में जगह नहीं। भाई साहब नमस्कार। एक मासूम लड़की के रेप अटेम्प्ट करने के चक्कर में गाड़ी पंचर हो गई है क्या? दिया? क्या मैं स्टेपनी चेंज कर दूं? उन्होंने साबित कर दिया कि वो लड़का मर्द नहीं है, साथ में डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाए थे। घर पर होता तो साड़ी पहनता, पुलिस स्टेशन आया इसलिए पैंट पहन के आया है। सोलह आने सच वाले कहा? अगर वाकई में मर्द होता तो सामने जो साहब खड़े हैं वो हमारी छुट्टी कर देते। समझौते के लिए दलालों को साथ लेकर नहीं आते ये वकीलों को। तुम नहीं समझते, पुलिस वालों को तुम नहीं समझ सकते। अगर मुझे मिल गया तो मैं घर ले आऊंगा। कानून की किताब पढ़कर झूठी कहानियां रचने में बहुत माहिर है। हम लोग बिजली से भी फास्ट हैं, हम लोग सोच से भी फास्ट हैं। इंसाफ की आग में सबूत नाम की आंधी को मिलाकर जला देते हैं हम लोग। उसी आग पर सच्चाई का पानी डालकर उसे बुझाते हैं हम लोग। जाओ जाओ, पीछे जाकर छुप जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं जी? You keep quiet. चलो बैठो। मुझे जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी इज्जत नहीं उठानी पड़ी थी। जाना पड़ा पुलिस स्टेशन में, वो भी एक रेप केस के लिए। सही कर रही हूँ या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माफ कर देना।
सुपर सर, ऐसा तमाचा पहले जड़ा होता तो पत्थर मूरत बन गया होता, कम से कम किसी मंदिर की सीढ़ी तो बन ही सकता था। कृष्णा अब देखिए, मत कर, घर का कांच तोड़ने वाला एक काला पत्थर बन गया। के बारे में तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। वादा करके भूल गए क्या सकलेचा? इस वक्त कहाँ है? लगता है आजकल बहुत नेताओं से मिल रहे हो। मालती, हम लोग मिलते हैं वेंकटेश्वर कॉलेज में, वहाँ का वाचमन अपना जान पहचान का है। ये फोन की बात किसी को पता नहीं चलेगी। लड़की का सपना पूरा होने की खातिर तेरा बेटा भी जिंदा है। मैं बिल पेड़ अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना सर, हाँ जी बोलिए, ये लीजिए। तो इसको दफनाने के लिए जगह और उठाने के लिए कंधे का मैं खुद बंदोबस्त करके तुम्हें इतना बहुत ही अच्छा। पुलिस का कुत्ता, उससे डर के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। There is no chance। नेताओं से पंगा लोगे तो विरोधी बनोगे, वकीलों से पंगा लोगे तो फाइन भरोगे, अगर हम पुलिस वालों से पंगा लोगे तो सड़क पे लावारिस राज बन के गिरोगे। चलेगी तो सिर्फ एक गोली, नाम होगा एनकाउंटर। उसी तरह तेरे घर की इज्जत बचनी चाहिए। आज नंदिनी मेरे पास है, मैं नंदिनी को लेकर आ रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो। उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। भूल जाओ उसे, मरने दे यार। मेरी जिंदगी, स्टेटस, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसे बुला दूँ उसे? जब तक जिंदा रहूँगी वो मुझे भुला नहीं पाएगी। ऐसा हाल करूँगा कि रोती बिलखती खून प्यास ना। ए, उसकी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? देखिए, ये लड़का हमारे रिश्ते में है, इससे शादी करा के हम अपने घर में रख लेंगे। लीजिए, जाके पूछिए। क्यों बेटी, कहाँ जा रही हो? एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ, मिसिंग क्वार्टर्स के लिए। और आजा, अच्छी बात है, ये लड़का कैसा है? देखता। फिर से मेरी शादी की बात। लड़का कैसा है इससे ज्यादा, वो मुझे, मेरे काम को कितनी अच्छी तरह से समझता है। That is important. ये हमें भी पता है बेटा। ठीक है, देर से आने के बाद मीटिंग अरेंज कर लीजिए। ये लीजिए, काम आएगा। करके हौसला बढ़ाइए, इसे हिम्मत मिलेगी। ये देखो, कल के दिन आपकी बेटी मिस इंडिया बनेगी, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी, तो उसे सिक्योरिटी देने के लिए हमें जाने पड़ेगा ना। क्या सुरेनाथ जी, आप विश कीजिए बेटी को, लगा कर देखा, मेरे मर्दान की देखनी है, जब आजा तुझे बताता हूं। आइए जल्दी दीजिए ना, ये लो पानी, आइए। सपने देखना आसान, लेकिन उसे पूरा करने की जरूरत बहुत मुश्किल है, और यही काम हमारे साहब कर रहे हैं। देखो भले ही कितनी मुश्किलें आए, इन्होंने तुम पे जो विश्वास भरोसा रखा उसे मत गवाना। जिसका कोई नहीं होता बेटा, उसका भगवान होता है। हमारे लिए यही भगवान है। हाँ महेश, we are on the way। अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट आ जाइए। हाँ। सुनिए तो, क्या कर रहे? You stupid! Stop it, I say! Stop it! Oh, नहीं, छोड़ दो, छोड़ो। Love me. इस जगह बनेगा तू? Oh no! बताइए क्या है? No. ऐसे। No. No.
हेलो आने वाले थे ना जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नंदिनी कहाँ है? हाँ हाँ जीजा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जीजा। ए तू किधर है? ए क्या हुआ भाई, तुम क्या लेना चाहिए? अगर तुम लोगों पे भरोसा रखे ना तो पूरी जट मिट्टी में मिल जाएगी। तुम लोग एक आदमी को नहीं मार सके, तुमको मार के चला गया। चल जल्दी गाड़ी निकाल। क्या हुआ बताओ? गोवर्धन आया था, फोन बंद करके उसने जो सोचा था कौन सच वही कर दिया। बोल रहा है कुछ पता नहीं। शिल्पा इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकती। वो क्यों? उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर क्या कहते हैं? जान का कोई खतरा तो नहीं है सर, लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी। कोई आया था क्या? हाँ आया था ना। कौन, कहाँ? आप ही तो हो, आप ही आए हो ना। क्या सर, मंदिर बंद हो जाए तो पुजारी नहीं रहता, कॉलेज बंद हो जाए तो स्टूडेंट्स नहीं रहते। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती सर? आओ, क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हैं आप? जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही बोलो। तो बाकी सबको हिम्मत कौन दे? आप लोग बात समझिए सर। क्या करूँ सर, मैं एक साधारण सा वॉचमैन, अगर आप मुझे खुलकर बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की आखिर कौन आया था। आपने भी सपोर्ट किया, आप लोग ढूंढ रहे हैं उससे कोई रिश्ता है क्या? आज मेरी लड़का और एक लड़की दोनों लवर्स भाग कर आए हैं सर। अगर वो लोग मुझे मिल जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि आप लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, है ना सर? सर बार बार क्यों मार रहे हैं सर? हम तो उसके सगे माँ बाप हैं। पहले तो ठीक से बात करना सीख ले। रिश्ते कितने लोगों की मदद कर रही है सर, वहाँ देखिए सर। सर ये लोग सड़क पर, तुम लोग मेरे पीछे छुपे हो और मुझे पता नहीं चलेगा तुम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना सर? एक्चुअली वो न्यू लवर्स और विलेंस, हम सभी से लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जब तक मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तब तक तुम लोगों को मेरे रहते कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सर मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। यहां का वॉचमैन सर, मेरा नाम कृष्णा है। बहुत अच्छी लड़की है ये नंदिनी। तुम्हारे दोस्त ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया। हुआ ऐसा सर, ये आप तुम लोग मुझे कुछ दोगे ये सोचकर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। जो लोग हिम्मत करके निकल आते हैं और जो तकलीफ में हो उनको आसरा देना चाहिए, ऐसा मेरी बीवी कहती है। सर उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? वो इसी कॉलेज में लेक्चरर है ना। वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, अभी तुम लोग आराम करो। ले लीजिए सर। सकलेचा कहाँ है तेरा बेटा? शिल्पा नाम की लड़की पर तेजाब फेंककर गायब हो गया है। इम्पॉसिबल, मेरा बेटा तो शहर में है ही नहीं। रोशनी में घर से निकल जाना, अंधेरे में फिर से घर पर लौट कर आना, ये अपराधियों की कॉमन बीमारी है। तेरे बेटे की गंदी करतूत को अगर तेरा वकील झूठा साबित करने की कोशिश करेगा ना तो सच्चाई को मैं साबित कर दूंगा। दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। बच्चे इज्जत उछालते हैं और इज्जत उछालने वाला तेरा बेटा भाग जाने या छुपने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ढूंढ कर रास्ते पे कुत्ते की तरह मारूंगा। जाओ कहीं जाकर पकड़ा गया तो कानून उसे मारेगा, लेकिन उसका मारा जाना तो तय है। एसीबी अभी तक चुप बैठा था, इंटरनेट पर बोलता हूँ, सुन लो। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी को तो मैं असली मर्दों वाला चैलेंज कहता हूँ। अब तू जितने वकील बुला सकता है बुला ले, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा। एक बात तो तय है, अपनी इस जंग में तेरी मौत होने की गलतफहमी अगर दूर न रहती तो मेरा नाम शंकर, शंकर पांडे नहीं है। अगर तू क्रिमिनल्स को बचाने वाला ठेकेदार और उनका बाप कहलाता है, लोग खाना खाते हैं तब थाली देख कर खाना खाते हैं और जो अपने पापा का मुंह देख कर खाना खाती है। पापा, मम्मी को जलन हो रही है, आप भी मम्मी को अपने हाथों से बुलाइए ना। नहीं बोला ना, शिल्पा के स्टेटमेंट लेकर पक्का एफआईआर दर्ज करो, केस को स्ट्रॉन्ग बना दो, समझ गए ना? एक एक की चमड़ी उधेड़ कर सड़क पे फेंका है मुझे। ये देखा, सकलेचा का बेटा और उसके दोस्त किस कमरे में ठहरे थे, किस टाइम वहाँ पर थे और क्या कर रहे थे, उन हरामियों की पक्की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। डिटेल्स कलेक्ट करो। कैसे करोगे सर? वेरी सिंपल सर, उसके दोस्त के बाप को आपका बेटा मासूम है, अप्रूवर बनने को बोलो वरना खामखा मारा जाएगा, एक ऐसा मैसेज भेज देता हूँ। तब बाप अपने बेटे को फोन करेगा, उस फोन कॉल को हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं सर। लखन सर, अश्विनी को फोन करके बुलाओ सर। 2438777 स्पॉट टैक्सी, हमारी परवरिश में गिवन हिम द नंबर। अश्विनी मैडम, मांग की मैं चला कर देता रहा, इस केस में शिल्पा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हैं। वो मेरे लिए जान करने से पहले आप सोच लीजिए। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। सपना देखना भी मुश्किल है और वो सपना जब अधूरा रह जाता है पता नहीं ऐसा तब जो बीतती है ना तब और भी मुश्किल होता है। ऐसा मत कहिए, बच्चे जब छोटे होते हैं हुआ था तभी वो स्टेप लेना चाहते हैं, डर होता है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। कहाँ गई थी?
और जब वो बड़े सकलेचा के बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गई थी। उससे क्या फायदा होगा? ये सब सोचकर क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दें क्या? और वो अगर मेरे भाई को मिली तो हमें भी मिल जाएगी। अनजाने लोगों के बातों में आ जाती है और हमारी बातों का सुनती तक नहीं। सोचकर मैं खामोश। शादी की बात ना बोला ना कर लूंगी। मुझे मेरी बेटी को कैसे घर लाना? ये केस वैसे रहने दो, छोड़ दो। क्या आपको किसी की तकलीफ का एहसास है? जिस पर बीतती है ना वही जानता है। और आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? सुन, ये सब अपने अपने नसीब की बात है। बहुत लोगों ने ऐसे हजारों केस दर्ज किए होंगे, उन सभी को अगर कुछ मिला है तो 1 या 2 लाख का मुआवजा, समझी? लेकिन इतना तो वो सकलेचा खुद ही दे देगा। मुआवजा क्राइम को नहीं रोक सकता, सजा जरूरी होती है। मरने को तैयार हो जाओ। यस, ऐसे केसेस में तो लड़कियाँ जीते जी मर जाती हैं। ओ, इसका मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? नहीं, नेवर। अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए हम रिस्क लेने को तैयार नहीं। तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, क्योंकि ये मेरा घर है। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। फिर से सोचो क्या करना चाहती हो। जिनको भागना था वो तो भाग गए। एकदम मिडिल क्लास मेंटालिटी। मौत और इज्जत दोनों से दुनिया में हमेशा डर कर ही जीते हैं लोग। कि प्यार करने वाले को भागना पड़ता है, दोस्तों को मार खाना पड़ता है। क्यों? You can come with me. क्यों ऐसा होता है? आप भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं वो कहाँ गया। हमें कुछ नहीं पता है, ये बताने के बाद भी हमें इतना सता रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? हेलो, मैंने घर के बारे में नहीं पूछा, साथ रहने की बात लगाकर मेरे पास काम। इसलिए कि मीडिया वाले ऐसी कहानियां ढूंढते रहते हैं, बढ़िया प्रोग्राम बना के धांसू टाइटल दे देते हैं। फैसला आपको ही करना है। एमएनसी कंपनी वाले लिविंग रिलेशन के नाम पे साथ में रहते ही और स्ट्रांग इन इट। कान से बहरा ऐसी बातें तो होती रहेंगी। मुझे कूद गिराकर छोड़ दूं, मुझे पूरे राज्य में घुमाया और मेरे धंधे की वाट लगा दी उसने। फिलहाल यही कॉस्ट्यूम है मेरे पास, मैं जान लेके छोड़ूंगा। इसी से काम चलाना पड़ेगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। कहां है रे तेरा बेटा? हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा है, शुक्र है कि शर्ट नहीं दी मुझे। और अगर पता होता तो हम आपको पहले ही बता देते। लगता है साउथ की फिल्में बहुत देखती हो। उसमें हीरोइनें ऐसी होती हैं। अगर उनका बस चले तो एक ही शर्ट में पूरी फिल्म निकाल दें। सेक्शन 267 का चार्ज लगेगा उसके ऊपर। वो हमारी एक ही बेटी थी। तुम्हारा लड़का मेरी बेटी को भगा ले गया, मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगा। अरे ये चारों तरफ से लोग हमारे ऊपर थू-थू कर रहे हैं। हम अपने समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं चाहे जितना पी हूँ आपसे कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, इसकी गारंटी भाई। बोलो, आपको इसकी आदत नहीं है? आपके प्रोफेशन में तो ये सब कॉमन है। यस, बट आदत नहीं है। एक बार जबरदस्ती वाइन पी ली थी मैंने। जब वो घर छोड़ के भाग गई तब तो इज्जत की बात कर रहा है। फोन कर दूंगा, तुम्हारे पार्सल आ जाएगा। नहीं, मैं ही बनाऊंगी। कोई इरादा नहीं है। मैं तो बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे ये जानना है, इसलिए अभी तक मैं तुम लोगों से सिर्फ बातें कर रहा हूँ, वरना मैं देख। आप शंकर, आप किसी ब्रोकर को जानते हैं तो मुझे किराए पर एक घर चाहिए था। तेरे बेटे ने मेरी बेटी मुझसे अलग किया। ठीक है, सुबह चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आप पर कोई शक नहीं। खामोखा मेरा खर्चा। बाहर कितनी भी शेरनी बने, रात को सोते समय याद आ ही जाता है कि वो एक औरत है। यही तो है लड़की में, यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैडम फैन जोर से चला लीजिए और ये कंबल ओढ़कर आराम से सो जाइए बिंदास। कल सुबह सोचेंगे ब्रोकर के बारे में। घबराओ मत, मैं प्रेम और ये शीतल, हम सब फ्रेंड्स हैं। हम सब इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला, इसलिए हम लोग आए हैं। कौन है तुम्हारा वकील? हम लोग अलग हैं। आप मैं खुद किस लड़ सकता हूँ। क्रिकेट है सीख कर फुटबॉल ग्राउंड में आ गए। दोनों जगह गेंद ही होती है, वहाँ पे गेंद को बैट से मारते हैं और यहाँ पर मैं लात मारने वाला हूँ। और जब मैं किसी को लात मारता हूँ तो गोल में नहीं जाता, जेल पहुँच जाता। कीप इट अप, चलो। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कृष्णा है, ये नंदिनी है। नाम है शिल्पा, 19 साल, BSc डिग्री कर रही है। आपको मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था पर ले नहीं सकी, और उसकी वजह यह है गोवर्धन सकलेचा। वजह उसे बता रही हूँ। कैसे? मेरे चेहरे पर एसिड फेंकने वाला यही है। सच कह रही हो? खामखा क्यों फेंकेगा? वो हरिद्वार का गंगा जल है। कौन बनेगा? मैं तो हूँ।
तुम दोनों के बीच में किसी तरह का हैरेसमेंट ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी हाँ। क्या हुआ था बेटा? अगर आने वाले तीन दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपकी शादी हो जाएगी। वेलकम। इन्होंने मुझ पर रेप अटेम्प्ट किया था। किया था? किसने? और के दो दोस्तों के कॉलेज वेंकटेश्वर के स्टूडेंट। तो इन तीनों में से किसी ने भी तेजाब फेंका हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रेप अटेम्प्ट करते वक्त आपने कैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था, आपके ऊपर कौन से कपड़े थे, आपको कहां कहां हाथ लगाया, ये सब कुछ नहीं पूछूंगा। रेप अटेम्प्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ क्या, केस फाइल किया क्या? पूछेगा तो तेरा टटुआ दबा दूंगा। इसका मतलब स्टीफन ये क्या हो रहा है? इनको प्रेम चाहिए। उस दिन आप ही ने तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करवाया था। मतलब कुछ पैसों के लिए आप अपनी इज्जत दांव पे लगा लेंगे? कम ऑन। हाँ हाँ, आपको मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, है ना? हेलो, है ना? जी हाँ। हाँ, जरा जोर से बोलो बेटा, अकेले मुझे नहीं जैसा आपको भी सुनना है, जोर से बोलो। जी हाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो किस लिए? वकील साहब इस केस को छोड़कर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। इनको अपने चरित्र की परवाह नहीं है क्या? कौन सा प्रेम सर? फिल्मी प्रेम चाहिए या प्लेबॉय प्रेम? हिस्ट्री ऑफ द केस, हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर्स, ये सब जरूरी होता है। प्रेम है, बीकॉम प्रेम है, बीटेक प्रेम है, मेरा मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा सर। जरा खुलकर बताएंगे सर, लड़की अगर वर्दी नहीं होगी तो, बहुत सारे प्रेम है, जो चाहे नहीं है तो मिस इंडिया में कंपीट नहीं कर सकती। ये बात मैंने तुमसे कही थी ना? आपको कौन सा प्रेम चाहिए? इज्जत से ये बात अगर बाहर आई तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। मैंने समझाया और कॉम्प्रोमाइज भी करवाया। क्या कर लोगे आप? लेकिन इसकी तो पैसों की लालच है। कल अगर दुनिया को पता चलेगा कि ये वर्दी नहीं है तो इसकी इज्जत नहीं रहेगी, इसीलिए ऐसी अटैक का नाटक कर रही है। इसीलिए इस गोवर्धन सकलेचा जी को बलि का बकरा बना के झूठा इल्जाम लगा के अलग अलग खींच लाया। खत्म कर देता हूँ क्या? कोई भी स्टूडेंट को हाथ लगाए ना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब हिल जाएंगे। मेरी ट्रेनर अश्विनी, अगर तुम्हें हिम्मत है खुद जाकर ढूंढो उसे। इस तरह स्टूडेंट से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। इतने लोगों से उलझना ठीक नहीं है। इतना भी ट्रेन करती हो? ढूंढना इम्पोर्टेंट है। मॉडल ट्रेनर। जैसी कहा, पहले मैं मॉम डैड के साथ थी, अब मैं एसीपी शंकर पांडे के साथ हूँ। तो आप दोनों की शादी कब हुई थी? शादी नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। आज के जनरेशन तो ज्यादा फास्ट है, घर वालों से दूर जो हो गई है, ठीक हो जाएगी। शादी होने से पहले ही एक मर्द के साथ, वो भी अनजान मर्द के साथ रहना, बस मन साफ होना चाहिए। शरीर भले ही खराब हो जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो किस लिए? आपके लॉयर कहाँ है? मैं खुद पैरवी करूंगा, इसकी एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ। ये अच्छा है मिस्टर रॉय, कंटिन्यू। मैं क्या कंटिन्यू करूंगा हुजूर, गंदगी की क्वालिटी की जाँच करने के लिए एक सुअर को बुलाया है। घबराने की कोई बात नहीं, अभी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तुम उसे अपना बनाना चाहते हो तो कल जाकर के उससे शादी करो, अगर तुम चाहते हो कि लड़की जिंदा रहे। नंदिनी को उसके माँ बाप के पास जल्दी से ले जाओ। ये सब किस लिए? मैं दवा लिख देता हूँ, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। वो दवाइयाँ समय समय पे देते रहे। रिस्पेक्ट दिलाने के लिए यही एक रास्ता बचा। नंदिनी का प्यार
उस दिन इसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं लेकर गया। आज इसने बोला मुझे पापा के पास जाना है तो मैं लेकर आया। मेरे लिए नंदिनी की खुशी इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर के बाद मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आ जाएंगे, आप लोग आपस में बात कर लो और मेरी और नंदिनी की शादी करा दो। नंदिनी हम बहुत जल्द मिलेंगे। तू मेरी बेटी को भगा कर ले गया था और अब वापस आया है, इसलिए तुझे जिंदा जाने दे रहा हूँ। भागते हैं तो शादी करने के बाद ही वापस आते हैं, और एक तू है जो वैसे ही घर पे लाकर लक्ष्मी को छोड़ दिया। क्या इसीलिए मैंने तेरी हेल्प की थी? आँखों में मेरे तुम्हारे जैसा आशिक मैंने पहली बार देखा है। तुमने अपने प्यार का गला घोट दिया बसी है, और देखोगे भी नहीं। मैं नंदिनी को उसके घर पर छोड़ कर जा रहा हूँ। नंदिनी को भले ही मैंने उसके घर पर छोड़ दिया है, लेकिन वो मेरे दिल में है। बहकी 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 जीत प्यार की इश्क छाई है, जाने मन जाने जा, दिल की धड़कन तो ही मेरी आरज़ू। होठ से होठ को छोड़ ले ना जरा कर सिलसिला ये शुरू। मेरी बात नहीं सुन, मैं कब से उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट रिचेबल, नॉट रिचेबल बता रहा है ये तो। मन में बसा लो, पता नहीं कृष्णा को क्या हो गया है जी। अगर उसने सब कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बन चुकी जी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। वो लोग हमारे घर पर धमकी देकर गए थे, लेकिन कृष्णा तो उनकी जगह पर गया है। क्या उसे छोड़ देंगे? चलो हम लोग चलते हैं, शंकर गौरी से जाकर पूछते हैं। चलिए ना, चलो। हमारा बेटा आपके बेटे को छोड़ने आया था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। जाके पता करो, तुम्हें वो वहीं मिलेगा। अब जाओ। आप बड़े हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरा बेटा बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है कृष्णा। आपकी बेटी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपनी मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, कृष्णा यहाँ ले आया। आपकी बेटी आपको नहीं मिली तो आप लोग हम सबको डराने धमकाने हमारे घर आ गए। अब प्यार हो गए, हमारा बेटा हमको नहीं मिल रहा। जीना अब नहीं, तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते? बिरहा बिरहा अब हम चाहे ना तेरे बिन है तड़पे ये दिल। चाहूं तुझको सारा जीवन, मुझको गले से लगा। बेटा वापस ना आने से दुखी है, आप इनके बेटे को ढूंढ कर इनके घर भिजवा दीजिए। भाई हमने उसको कुछ नहीं किया। देखिए मैं भी एक बात को लेकर आते हैं, आप हमारे आपके बेटे अभी तक ऐसा कुछ भी गलत कर दिया, आप लोग के नाम हम वो अपने आप करा दें। मामा, अरे रे 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 रे, ए ये सब क्या? आपने उसे यहाँ से जाने दिया? पहनती नहीं हो या पसंद नहीं है? लेकिन मैंने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया है। जा, साड़ी पहन के आओ। ये अच्छा है तुम लोगों का, मलिक अपने पहले तो देख के एंजॉय करते हैं, लेकिन अब तो बेटी को कोई नहीं देखे ये सोचकर साड़ी में लपेटते हैं। सच में ये सारे के सारे मर्द ना शादी होने के बाद हमारा बच्चा दूसरों की बीवी सबसे अच्छी, राइट? हमारा बच्चा दूसरों की बीवी, ए बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो तुम लोग भी कहाँ किसी से कम हो। शादी होने से पहले कहती हो कि मेरा पति बहुत ही मर्दाना हो, वही सड़क पे चलते वक्त ये भी चाहती हो कि तुम्हारा पति मर्दानगी छुपा कर रखे। तुम औरतें भी कब रंग बदलोगी, भगवान भी नहीं समझ पाया आज तक। तुम लोग तो मौका ढूंढते रहे, मौका मिले तो कोई छोड़ता है क्या? आज पर हाथ धरे बैठे रहे। अरे हमेशा के लिए शांत कर दिया है, अब आप निश्चिंत रहिए। अभी वक्त है तुम्हारे पास, जरा सोचो। केस में आगे बढ़ोगे तो अभी सिर्फ मुंह जला है, बाद में इज्जत भी जाएगी। परवाह नहीं, अब आप भरोसा है तुम्हें इस पर? यस, शादी उस एनआरआई के बदले मेरे बेटे से कर दो, इसी में हम सब लोगों की भलाई है। बच्चों को माँ खेल खेल में जब ऊपर फेंकती है तो बच्चा हंसता है, इसलिए पता है ये आदमी तेरा माँ बाप है क्या? आपको लग रहा है मैंने कृष्णा को मार दिया?
नहीं। मैं भी एक बात बताता हूँ, कृष्णा को कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में लोगों की सेवा करना ही इसका सबसे बड़ा सपना था। हाँ मम्मी, तुम सबके पास तो बहुत पैसे हैं। इसलिए कर रहे हैं, पैसे देकर के इसके सपने को पूरा करवाइए कि कृष्णा को व्हाट्स योर ओपिनियन, मैं अपने दिल से निकाल दूं। लेकिन अगर आपको मंजूर है तो कृष्णा का प्यार मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए तो कहता हूं मैं भगवान से दुआ कर रहा हूं। गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा शादी हो गई। बाबा के लिए कोई नहीं मिला तो बीवी को बुला लिया। लास्ट वीक में शादी नहीं हुई थी ना? अभी आपका डे हो गया तो आश्चर्य नहीं। ये ऐसी बैठक जब हुआ वहाँ कौन कौन था? मैं थी, शिल्पा और टैक्सी ड्राइवर। बुलाने की आपने कोशिश नहीं की? कोशिश की थी मगर ड्राइवर बना दिया। तुम्हारे बदन पे कुछ नहीं गिरा, उसके चेहरे पर बस जरा सा मेकअप किया हुआ वैसा घाव हुआ है ना? आप भी ने किया होगा? नो हुजूर, एसिड फेंकने वाले का हाथ जले ये तो नामुमकिन है। यहाँ मेरे मुवक्किल के हाथ में जलने का निशान। सो ये सब कुछ इनका किया धरा है ऐसा मुझे लगता है। नो यस, किसी को पता ना चले कि वो कुंवारी नहीं है और मिस इंडिया कंटेस्ट छूट जाने के बाद लोगों की सिंपैथी मिलनी चाहिए। सकलेचा परिवार से पैसे हटने हैं, यही इनका मंशा था। नो योर ऑनर, नो। लीजिए लीजिए ना, पूछ लीजिए। देखिए मुझे औरतों को रुलाने में दिलचस्पी नहीं है, मगर ये जो सच है ना, झूठ वो बहुत ही कड़वा होता है। जाइए, हो गया, जाइए। कौन से कपड़े पहने थे? ब्लू जींस और ब्लू जींस टी शर्ट और ब्लैक जैकेट, टोपी, चश्मा। यकीन से कह रहे हो ना? जी सर, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें आई साइड की समस्या है, टेंशन वाली बात नहीं है। रिपोर्ट सब मेरे पास है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। ये आदमी किसी को पहचान नहीं सकता। आगे भी ठीक नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हें बताया क्यों नहीं? यकीन से कैसे कहते हो? लेकर मैं आपके पास आने ही वाला था पापा। तुम्हारे कहने के मुताबिक जून 14 की रात को गोवर्धन सकलेचा बेंगलोर आया था, ये नामुमकिन है। इसलिए कि उस दिन ये ऊटी के कोणार्क होटल में ठहरे थे। रात को 8:30 बजे किसी और का हाथ, मतलब इस वाक्य के ठीक 1.5 घंटे पहले लैंडलाइन से अपने घर पर फोन किया था और उसके डिटेल्स और बिल्स वगैरह यहाँ पे। देखिए क्या कोई 1.5 घंटे में वहाँ से बेंगलोर आ सकता है क्या? सो This is totally planned game, played by Shilpa and Ashwini, just for the sake of money. हमारे घराने की इज्जत का हर बात पर ऑब्जेक्शन बोल रहे थे, कहिए क्या कहना है? लॉयर रघुनाथ राय ने बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले तैयार किया है, इन्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। बहुत सारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि उनके पास कहानी नहीं है, इन्होंने जो कहानी गढ़ी है वो किसी रीमेक से कम तो नहीं है। ही इज टू स्मार्ट। अश्विनी के बारे में बाद में बात करूंगा। अगर दोबारा मेरे घर, लेकिन ड्राइवर गणेश जी को दूर की कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन जो भी चीज नजदीक है बहुत आसानी से बहुत साफ साफ देख सकता है। ऐसा सेम डॉक्टर सेम टाइम पर सर्टिफाई कर चुके हैं, इसकी रिपोर्ट ये रही। अमेरिका से देखो, हमने कुत्ता पाल रखा है, ज्यादा होशियारी करोगे तो तुम्हारे ऊपर इंसिडेंट होने के 1 घंटे पहले बाहर का रास्ता फोन किया गया। इसका सबूत आपके पास है? चलो बाहर। वो फोन किसने किया? वो आवाज किसकी थी? या इसकी आईडी या कोई वीडियो क्लिपिंग क्या आपके पास है? चाहूं तो मैं भी आवाज बदल के बोल सकता हूं। जिस दिन वाकया हुआ उस दिन दोपहर को ठीक 1:30 बजे बुरा न लगे तो ऊटी से बेंगलोर जाने के लिए एक गाड़ी बुक की गई थी। आपकी बेटी मंजू टूर्स एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनी से, उसे बुक करने वाले थे कार्तिक सिन्हा साहब। मंजू टूर्स एंड ट्रेवल्स, बेंगलोर जाने के लिए गाड़ी चाहिए थी, मिलेगी? जिससे आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आए। खास दोस्तों में ये भी एक दोस्त है, इस बुकिंग से जुड़े बिल्स यहाँ पर हैं। योर ऑनर,
उसी दिन दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास वैसे भी मेरा बेटा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस नामक कॉलेज का नाम लेकर नायडू लेबोरेटरीज से हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 खरीदा गया। इन दोनों की शादी हो जाएगी। खरीदार का नाम प्रेम शेट्टी फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये है गोवर्धन जी के एक और खास दोस्त। ये शेट्टी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के मालिक है। गोवर्धन के खास दोस्त प्रेम शेट्टी के पिताजी। ये सब होने के बाद मुझे एक डाउट है। मिस्टर गोवर्धन ने जब तेजाब से हमला किया था तो उनके साथ कार्तिक सिन्हा और शादी करवा देते हैं। ये दोनों रहे होंगे। प्लीज परमिट मी टू इंक्वायर देम योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। हम इस केस से इससे मेरा कोई मतलब नहीं है सर। ये बात तो जैसा आप डिसाइड करेंगे। आपको छुड़ाने के लिए सारी तैयारियां वकील साहब कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं आप लोग क्लोज फ्रेंड हैं। हमेशा से चट्टान की तरह एक साथ हैं। गोवर्धन के साथ आप दोनों हरासमेंट में शामिल रहे, रेप अटेम्प्ट में शामिल रहे, एसिड अटैक में भी शामिल रहे। शायद इस पर तेजाब फेंकते वक्त बाय चांस गलती से थोड़ा सा तेजाब गोवर्धन जी के हाथ पर गिर गया था। कुछ नहीं, आप ही बताइए ये किसने किया। सच बताइए। तू घर छोड़ के गया था तब हमने तुम्हें फोन किया। अदालत है ये। झूठ बोल रहे हो ना। जेल जाना पड़ता है। भगवत गीता की कसम खा चुके हो। दोस्त को बचाना चाहते हो। बेल भी नहीं मिलेगी। जिंदगी तबाह हो चुकी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्हें नहीं किया। तो फिर किसने किया। तूने उसे वापस उसके घर छोड़ दिया। मगर तुझे मालूम है क्या, और आज उसके पिताजी गोवर्धन ने नंदिनी की शादी शंकर गौरी के लड़के से करवा रहे हैं। नंदिनी की शादी में हम सभी लोगों को भी इनवाइट किया है। माफी चाहूंगा हुजूर। वेडिंग कार्ड भेजकर सच का पर्दाफाश करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जान गंवाने की नौबत आए तो कोई दोस्त साथ नहीं देता। इस बात के ये लोग सबूत है। गोवर्धन के साथ ये दोनों थे लेकिन इन दोनों का कोई हाथ नहीं। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन हुजूर। वो किस लिए हुजूर? ये लड़के मासूम हैं, अवैधवर्दी में हैं। लड़कों को डरा के इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो उनकी कसी सच नहीं होगी हुजूर। क्यों नहीं सर? अश्विनी ने ऐसे फेंका है और वो गोवर्धन के हाथ से गिरा है, ऐसा कहा था ना? तो क्या गोवर्धन बेंगलोर में मौजूद था? आया होगा लेकिन बेंगलोर आते का मतलब ऐसे डालने के लिए नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पहले आप ही ने कहा था। जरूर आया। आपको 2 दिन टाइम मिला तो आज क्या मान जाएंगे? किसी ने बनाया मिस्टर राय? आपको पूछना चाहते हैं, आपसे बात करें। हुजूर कुछ पूछ रहे हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं कि नहीं? हुजूर मैं और भी विक्टिम केस करना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा वक्त मांगता हूँ। इस केस की अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी। बहता हुआ पसीना, ये छूटती हुई सांसें, तुम्हारे चेहरे पर हाथ का जल साफ डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, बुलाओ उसको यहाँ। अगर हम लोग एक हफ्ता चुपचाप बैठ जाए ना तो तुम्हारे घर की औरतें जहर खाकर या फांसी लगाकर घर के मर्द सड़क पर नाक बंद कर पड़े होंगे। तब समझोगे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या होता है। मेरे साथ बहुत व्यवहार होने के लिए मर्द होने का सर्टिफिकेट काफी नहीं है। मर्दानगी की ऐसा क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो होगी तभी डिपार्टमेंट में शामिल हो सकते हो। ये कपड़े पहन कर जी सकते हो। तुम हो तो पुलिस डिपार्टमेंट में करते हो इन्फ्लुएंस लोगों के लिए दलाली का काम। ये क्या हुआ आप सबको? हमको नहीं उसको बोलिए। इज्जत से हमें दोगे तो तुम्हें मिलेगी। पुलिस को क्या तुम डिक्टेटर समझते हो? आप वकील लोग खुद को भगवान समझते हो या सच्चाई के? ओहो इन लोगों को आपस में लड़के मारो। आप तो चुप रहिए जी।
उस वकील की भी तो गलती है। अरे चुप रहिए ना, वो तो हमारी हड्डी तोड़ने की बात करता है। कमिश्नर साहब आप ही बोलिए। खाना खाकर जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को टालेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, गलती तो इन्होंने भी की है सर। इन कपड़ों में मैं तुम लोगों को तमाचा मैंने नहीं मारा था ना। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से, यहाँ जितने भी लोग आए हैं मेरी वजह से, तुम लोग यहाँ खड़ी हो मेरी वजह से, क्या समझी? आपको मारा था, उसका क्या हुआ? माफी मांग ली। वो तो ठीक है, मगर उन्होंने मारा क्यों? जिसमें दम नहीं होता वो ऐसा करता है। कहावत है ना, हाथ से बात करना गलत है। पुलिस मारे तो आवाज आती है, लेकिन भगवान और वकील ने मारा तो आवाज नहीं आती। वो दर्द सहन भी नहीं होती, मिलने वाली है। सच उसे पता चल चुका है। सर जाओ एक बोतल लेकर आओ, आराम से स्ट्राइक करेंगे। कोई डर नहीं, हमें और उन्हें कुछ तो फर्क है। आज बहुत लोग स्ट्राइक करते हैं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम लोग बहुत मजे करेंगे। उस दिन तक मेरे और आपके बीच कानूनी जंग छिड़ी हुई थी, वो हमारी जाती लड़ाई बन चुकी है। मैं आपका असिस्टेंट हूँ सर। तो आपकी हार के साथ। तुम्हारी आवाज तो सुनी सुनी लगती है, कौन हो भाई? मौत भी निश्चित। आप सही जा रहे हो सर, लोग मुझे कृष्णा नाम से पुकारते हैं। एक बॉय के क्लाइंट को बचाने के लिए आईपीसी सेक्शन की लूपहोल्स की जरूरत नहीं। इस लॉ बुक में जहाँ कीड़े ने काटा है, ये सब आपकी मेहरबानी है सर। और सुना है फिर क्या भी नंदिनी की शादी गवाही देने वाला का मुंह बंद करके मामा के बेटे के साथ हो रही है? इंसाफ के लिए लड़ रही इंसाफ की तरह। तो तू क्या करेगा, तू क्या करेगा बोल। कूल डाउन, कूल डाउन। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक काम करना, मेरे होने वाले ससुर जी से ये कह दीजिए कि शादी में ज्यादा खर्चा ना करें। देखिए एक ही बेटा है, अब आपके बच्चे तो नहीं होंगे ना। मैं क्यों कह रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि नंदिनी की शादी जो है इस कृष्णा से होने वाली है। और मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ पता है? अब ये बात सब लोगों को आराम से बता देना, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ रईस में मर्दानगी नहीं है। बेवकूफ समझता है क्या? टोपी लगाकर मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? ओके, गांधी नोट आप भेज दीजिए। नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। कोई गलती नहीं है सर। सुल्तानपुर में कुछ गड़बड़ हो गई है सर। अब जाकर उसके सारे दोस्तों को लेकर जाइए। यस सर। और उसको भी पकड़ कर ले आओ। है सर। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल कीजिए। ओके सर। जाइए सर। सास बहू का झगड़ा है, फोन आया था। दुनिया में एक ही परेशानी है जिसका कोई इलाज नहीं, सास बहू की लड़ाई। जाओ जाके देखो। कहता है कि वो मेरी बेटी से शादी करेगा। जेली के रूम पे अटैक होने वाला है। मैंने उसे जाने दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। आपको उसके साथ जो करना है करिए, लेकिन आपको हम लोग इस तरह बेइज्जती करके क्या मिलने वाला है भला? जिंदगी का मतलब औरत, शराब, मजा, ये सब कुछ नहीं है। हाँ सर, पैदा हुए हो तो कुछ करके दिखाओ। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, समझ गए। इनको रूम में बंद करना ठीक नहीं होगा भाई, ये क्रिमिनल फैमिली है, इसलिए क्रिमिनल की तरह बंद कर देना चाहिए। भाई छोड़ दो इस लड़के को। आपके ऐसे से मैं बोलो सुरेंद्र सर, कृष्णा ने क्या हालत कर दी है भाई? ठीक है, इसमें डालने तक गायब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। टेंशन रहेगा सर, ऐसे समय में आपको घर पर ही रहना चाहिए था। जब सामने हार नजर आने लगे तो दोनों जीत का जोश तोड़ना कर लेना चाहिए। जी हां सर, जाइए घर जाइए। अरे क्या कर रहे हैं सर? लेकिन यहां मैं हूं ना यहां। मेरी प्यारी बनिया बनेगी आपका ही इंतजार था। कुछ पैसे दोगे तो शहर के गली गली में ऐसे खिलौने मिल जाते हैं कुत्ता, लेकिन उससे खेलने की मर्दानगी तो मर्द लेकर पैदा होता है। यार मैं तुम लोगों को फूल सजाने के लिए दिया था तो तुम लोग इससे खेल रहे हो। हाँ कहाँ सजाया वो है ना सर? कैसा लग रहा है करके देख लो कैसा लग रहा है। क्या बात है।
अब कैसा है? अच्छा नहीं लगा। हटाओ। अरे यार ये अच्छा है बुरा है कैसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पागल को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ में आ गया। डांस करो भाई, डांस करो भाई। दरवाजा बंद कर देना। प्लीज आप लोग इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ए हरामखोर, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ। तू मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए निकला था लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। मेरे सर पे तो भगवान का आशीर्वाद है इसलिए मैं बच गया। तू नंदिनी का ख्वाब देखना छोड़ दे क्योंकि मैंने नंदिनी को उठा लिया। तीन चार लोगों के दिमाग से बनाए हुए मास्टर प्लान कैसे धूप में गया? कौन है आप? क्या है ये? इसमें 5 लाख है। अदालत में सकलेचा के बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देनी है। ओके 5 दिन हो गए मिस्टर रॉय, कंटिन्यू कीजिए। हमारे एसीपी साहब ने बताया है फोन कॉल में एक टाइम होता है पर इनवॉइस नहीं होता। आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा या नहीं? कार बुक करते समय इनवॉइस होता है। मुझे कोई गारंटी नहीं। आईडी कार्ड छोड़ के गया था क्या या फिर तेजाब खरीदने वाला फोटो देकर गया था? तो हमें आशीर्वाद देकर चाहिए। कार्तिक सुवर्णा और प्रेम शेट्टी दोनों से जो बयान लिया गया है इट्स प्योरली इमोशनल ब्लैकमेल। इसका सबूत? लेकिन जब इन दोनों की शादी हो रही है चुपचाप अप्रूवर बन जाओ। उस लड़के से दूर रहो कहकर कार्तिक के घर पे पुलिस स्टेशन से भंग की आई है और इसका क्लेरिफिकेशन तो उसके पिता ही देंगे। हो रही है और ना आपके कहने पर ये दोनों का प्यार करके हमें धमकाया था। कृष्णा तो मेरा इकलौता अश्विनी के बारे में नंदिनी भी तो उसका रहना है ग्लैमरस बिल्डिंग में ना। वहाँ पे पैसे शराब सेक्स दया करके कोई मतलब नहीं है। बिंदास होकर यही हमारे ख्वाहिश है। बोलने से बेहतर खुलेआम जीने की आस रखने वाली कैरेक्टर की खुशी में ही तो हमारी खुशी होनी चाहिए ना भाई साहब। इसके माता पिता कहते हैं आगे आपकी मर्जी। हाँ हुजूर मेहरबानी करके कि रहन सहन सुधारों पर मानी होने दीजिए। हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। कहते थे कि यंग जनरेशन है। अब फैसला हुजूर आप ही को करना है। इज्जत बचाने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं है, अपना शरीर ढकने की कुछ लोगों की नीयत नहीं है। भाई साहब जो होना था वो हो चुका। कृष्णा और नंदिनी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिल्पा इसकी संगत भाई साहब दोनों की शादी हो जाने दीजिए। जो सेवा करना चाहती थी उसे पता चला कि आसानी से पैसे बना सकते हैं तो एक नाटक रचा गया। तो फिर गोवर्धन सकलेचा बेंगलोर क्यों आया था? अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप जाने वाला था भाई। उसी दिन वो एयरपोर्ट पर जाकर मिला था बस। भूख लगती है तो खाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। बुक किया गया वैसे ही, प्यार होने पर शादी होनी चाहिए भाई। एनी कंफ्यूजन? काशी में गंगा रहती है वैसे ही कृष्णा के दिल में नंदिनी बसी है भाई। आपका क्या कहना है मिस्टर पांडे? आप कहने को क्या बचा है हुजूर? आपने 5 दिन बाद की तारीख दी थी तभी मुझे लगा था कि सच्चाई से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। प्यार को एक हो जाने लेकिन यहाँ आने पर पता चला होने दीजिए ना भाई। पुराने गवाहों को रास्ते से हटाकर नए गवाह तैयार किए जा रहे हैं। आप इसी तरह नई तारीख देते रहेंगे तो इंसाफ के लिए लड़ने वाले गरीब इसी अदालत के सामने तड़प तड़प कर मर जाएंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फाइल पर तारीख पड़ती है, केस लड़ा जाता है, इंसाफ की देवी बस बिलखती रह जाती है। उसी तरह मेरी बेटी भी घर छोड़कर भागी। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ आप आगे की तारीख मत दीजिए भले ही हमें इंसाफ न मिले।
पांडे साहब उसी दिन ही मुझे पसंद आया। मुझे बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखने वाला बताया था। इसके घर वाले खड़े होकर आपने बनाया है मेरी बेटी की शादी के बारे इमोशनल स्क्रीन प्ले। और अब आज मुझे लग रहा है कि विटनेस मेरी बेटी इसी के साथ खुश रहेगी। सारे गवाहों और सबूतों के बिना पर गोवर्धन तकलीचा और उसके दोस्तों पर लगे सारे इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है, यह साबित हुआ है। लिहाजा मुलजिमों को बेकसूर ठहराते हुए उन्हें इसी वक्त रिहा करने का आदेश ये अदालत देती है। और मिस शिल्पा के चेहरे पर घाव हो जाने की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो सका, उसके लिए यह अदालत खेद प्रकट करती है और असली अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग को सख्त कदम उठाने का आदेश देती है। ये क्या कर रहे हो? जिसने तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी घर में आकर, वो भी तुम्हारे घर में आकर, फिर भी इसी किडनैपर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो जीजा जी। ये करते आपको शर्म नहीं आई जीजा जी? चलो शिल्पा, नंदिनी की शादी सिर्फ मेरे बेटे से होगी। अब से बकवास बंद कर। माँ बाप बच्चा इन लोगों ने मुझे बदल दिया है, वरना तुम्हारी बकवास सुनने के बाद इस तरह मेरे सामने जिंदा खड़े नहीं रहते। अब हम डरने वाले नहीं, ना ही तुम कुछ कर सकते हो बेटा। सूरी खींच ले इसको। हिम्मत मत हारो। वी हैव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है। वी विल फाइट, वी विल फाइट। लड़ना है मुझे सर, बस हो गई है ड्रामेबाजी। लोग आते हैं, बस बस भी हमें हाथ लगते हैं, कहते हैं कि सच्ची बोलूंगा, उसके बाद कहते हैं कि उस दिन तो उस दिन झूठ बोला था, आज सच बोलूंगा, किस पर यकीन करूं? इंसाफ मांगना तो हमारा हक है ना, और ऐसे में सच्चाई की राह पर चलना उनकी ड्यूटी है ना। अच्छा आप ही कह रहे हैं ना सर, आपकी वो कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब में क्यों नहीं है? मुझे तो बस एक ही बात है सर, कि उन बच्चों के लिए अब मैं किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगी। सलामत होने के बावजूद भी हम मुश्किल से जीते हैं, पर वहाँ पर जो रहते हैं किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, और कुछ के तो माँ बाप भी नहीं है सर। आप भी एक समान नहीं दिखाई देते हैं, गरीबों को तस्वीरों में दिखाई देते हैं और अमीरों को हमारी नोट में दिखाई देते हैं। कहाँ जा रहे हैं? पुण्य इस तराजू में एक समान होने चाहिए थे। पुण्य के बदले सम्मान, पाप के लिए कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। पापों का अपराध करने के लिए कानून और इंसानियत को भूलना ही पड़ेगा। उन्होंने जो किया वो सही था क्या? एक मासूम लड़की पर रेप अटेम्प्ट करके एसिड डाला है, वो सही था? यहाँ लोग डरते नहीं है, यहाँ लोग मच्छर से डरते, बीमारियों से डरते, मलेरिया से डरते, डेंगू से डरते, लेकिन कानून से नहीं डरते। कानून इस देश में गटर में पड़ा हुआ बिलबिला लकीर बन गया किस लिए? अब मैं लोगों में ये डर पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगा। यस नो, सुनी इंसानियत भुलाना ही पड़ेगी मुझे। दोबारा कभी नजर मत आना। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी ऊपर आ जाइए। क्यों मारा, क्यों मारा मुझे? इतने सालों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचो उन्हें कैसे मारूंगा मैं। आप खुशी खुशी इन दोनों का आशीर्वाद। भाई 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 भाई, भगवान की दया से इन दोनों की शादी हो गई, आप भी खुश हो गए और भाई मुझे भी खुशी हो गई। अब इन दोनों की जिंदगी भगवान खुशियों से भर दे, यही मेरी दुआ है। तू अपने ही बाप की औलाद है, मुझे आगे दे। किसी भी एंगल से तू एक बाप का तो लगता नहीं है। जब तू पैदा हुआ था तो तेरा बाप बिजनेस में बिजी होने के कारण घर नहीं आता था, ये बात सच है क्या? बात हुआ क्या काम? अच्छा नहीं होगा। सच है कि तुझे बचाने के लिए तेरा बाप इंसानियत भूल गया है। He is a very good clean businessman. बहुत ही अच्छा इंसान है। तुझे देखकर लगता है तू किसी घटिया इंसान का है। तू मारेगा तो उम्र कैद की सजा मिलेगी। मैंने मारा तो सिर्फ 15 दिन के लिए सस्पेंड होगा। और ऐसी लड़कियों का देख करना चाहते हो और किसी लड़की से पहचान
अदालत बंद हो जाएगी। यही तो मैं चाहता था बेटे। अप्रूवर को तुमने गोली मार दी है। मैं आया तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तूने पुलिस ऑफिसर को ही शूट करने की कोशिश की है और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए अभी तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। देखो देखो ऐसा नहीं करना। होल्ड द गन, कम ऑन, होल्ड द गन आई से। सर शूट कर दो कमीने को। रुक जा, मेरे डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज शहर में तेजाब फेंककर औरतों का जीना हराम करने वाले यही लोग हैं। एक भी साला बचना नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, अभी लाके दूंगा। न जाने कितनी औरतों का इन जैसों ने बलात्कार करके उन पर तेजाब फेंक कर मार डाला है। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को कवा कर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं इनकी वजह से। ये जिंदा रहेंगे तो न जाने कितनी औरतों का जीवन नरक बन जाएगा। शूट हिम मैन। गुड शॉट। आप जैसे लोगों को स्टेशन के बाहर नहीं होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। सर अब आगे। शंकर पांडे इज रेडी फॉर इंक्वायरी कमीशन। दिस इज टू बैड मिस्टर पांडे। एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर ने उसे मार डाला। नहीं मारता तो मुझे शमशान भेजकर फोटो पे हार डाल के फैमिली को कंपनसेशन दिलवा देता सर। नो इट्स टोटली योर ब्रेन गेम। नो सर, उन तीनों दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ था, पुलिस स्टेशन फोन करके कंप्लेंट की थी, उसकी फाइल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है सर। ये सोचकर हर कातिल को हम अपने डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच सर। डिपार्टमेंट के लोग ही डिपार्टमेंट के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बी अ फ्री बर्ड। So you want to become a killer? I want to become a protector because I am a responsible citizen of India, sir. उस दिन आपने कहा था कि पैसे वाले ही देश को चलाते हैं। आपकी बात भी सच निकली सर, लेकिन ये भी पता चला कि उसी देश में एक पुलिस डिपार्टमेंट भी है जो अच्छी जगह ट्रांसफर करवाने के लिए, सिफारिश के लिए, प्रमोशन के लिए या किसी ऑब्लिगेशन के लिए समझौता करता है, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है, इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लोगों को अच्छी तरह पता है कि कहीं भी फसाद या स्ट्राइक हुई तो हम वहां पर पहरा देते हैं। जब सब लोग त्योहार, छुट्टियां, न्यू ईयर मनाते रहते हैं तो पुलिस वाले अपनी डबल ड्यूटी करते रहते हैं। कोई बड़ा नेता अगर शाम को शहर में आता है तो हम सुबह से सड़क को ब्लॉक करके रास्ता ताकते रहते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं सर, पर उन्हें पता नहीं होता कि गलती हमारी नहीं है। किसी बड़े आदमी का फोन आते ही खड़े होकर हंसते हंसते उनके सामने काम करने पड़ते हैं, और कभी कभी तो हमें बड़े लोगों के लिए भड़वागिरी भी करनी पड़ती है। क्यों चाहिए सर ऐसी गुलामी? उनकी हर बात सुन के मुस्कुराते हुए हिजड़ों की तरह ताली बजाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा नहीं किया था सर। शंकर पांडे नाम है मेरा। शंकर मतलब विनाश करने वाले भगवान। ये असली मर्द का नाम है। गुड बाय। एक पुलिस वाले की बेटी पे जुल्म हुआ, उसको भी इंसाफ नहीं मिल पाया। सोचिए आम लोगों की हालत क्या होती होगी। उन लोगों को इस हालत में लाने के लिए 15 से 20 सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें अदालत में मुआवजा मिलता है महज 3 से 4 लाख रुपए का। बहुत बड़ी रकम है ना ये? साथ ही साथ उनके घर वालों पर जो बीतती है उसका अंदाजा है आपको? मेरे साथ मेरे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करने वाले उस आदमी को अदालत ने सिर्फ 6 साल की सजा दे दी। आज तक मुझे 11 ऑपरेशन करने पड़े, उसके लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ी, तो मेरे माँ बाप को कई जगहों से कर्ज लेनी पड़ी। सजा तो जरूर हुई है, लेकिन मेरा पति तो जेल के अंदर बड़े आराम से जी रहा है। जब उन्हें भी हमारी तरह घाव होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हमारा दर्द क्या है। ये देख के ऐसा लगता है कि असली सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है, वो तो आराम से अंदर बैठे हैं। उनको और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो चाहती हूँ कि जिंदगी भर वो सलाखों के पीछे ही रहें, फांसी भी मिल जाए तो भी कम है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों के हाथ में चाकू, छुरी, बंदूक, राइफल ये सब नहीं होने चाहिए, यही कहते हैं आप लोग। उसी तरह तेजाब भी नहीं होनी चाहिए। ये तेजाब ऐसी चीज है जो कि जिंदगी को नरक बनाकर रख देती है। कैमरा देखते ही हीरो बन गए।
जय जयकार करने वालों के सामने दो नंबर का पैसा उड़ाकर हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है सर। असली हीरो बनने के लिए मन साफ होना जरूरी है, दिल मजबूत होना चाहिए। ये दोनों आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी अकल तो तेज चलती है लेकिन धड़कन बहुत सुस्त है। गुड नाइट। उन औरतों के केस के बारे में आपको इतनी चिंता क्यों है? बताता हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। तुम तो बहुत पढ़ना लिखना चाहते हो, तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पढ़ना चाहता है बेटा? बड़े होके क्या बनोगे तुम? फीस मैं दूंगा, चलोगे क्या? मैं नहीं जानता आप कौन है, आप क्यों फीस भरोगे? मैं नहीं बेटा। तो कौन भरेगा? और मैंने आईपीएस पास कर लिया। आईपीएस? ये आईपीएस क्या होता है बेटा? बाबा पता नहीं। बाबा माँ बाबा ने जो पढ़ना है पढ़ो बेटा, लेकिन पैसा मत मांगना। नमस्ते अंकल, आईपीएस पास कर लिया, अच्छी जगह पोस्टिंग मिल रही है। चलो अच्छी बात है। जो औरत मेरी फीस भरती रही है, हाँ? एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। आपके हाथ जोड़ता हूँ, इनकार मत कीजिए, एक बार मिलकर चला जाऊंगा। अच्छा मैं देखता हूँ। इसलिए मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं किसी से प्यार करती थी, यही सोचती थी कि वो भी मुझे प्यार करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो मुझे मिठाई की तरह अपने दोस्तों के बीच बांट देगा। मैंने सब कुछ खो दिया। कानून के जरिए इंसाफ चाहती थी, इसलिए अदालत में गुहार लगाई, एसिड फेंक कर जला डाला। तब भी मैं कोर्ट गई, लेकिन हमारे इस देश में लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं लगा सकता, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन अदालत ने मेरी इज्जत की कीमत लगाई, सिर्फ 10,000। ये साबित हो चुका है कि बलात्कार हुआ है। अदालत मुजरिम को 10,000 रुपयों का हर्जाना देने का आदेश देती है। वहां भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो भगवान से बचकर नहीं जा सका, एक एक्सीडेंट में मारा गया। तभी से मैंने ये लड़ाई, ये बदला, सब कुछ रोक दिया और सेवा की दुनिया में चली आई। उस दिन हमारी मैडम को इंसाफ नहीं मिला और आज उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, कब तक मैं ये सब सहता रहूंगा? गरीब आदमी रोटी के लिए चोरी करता है, पागलपन में कत्ल हो जाता है, लेकिन ये रेप और एसिड अटैक, इट्स अ प्री प्लांड, इंटरनेशनली प्लान करके करते हैं। इस समाज से ऐसे प्लांट मुजरिम बचने नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसे अपराधियों को मैं खत्म करके रहूंगा। मैं निकला गड्डी लेकर रास्ते में। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये पीपीओ वाली लड़कियां कैसी है? शुरू शुरू में तो बहुत नखरे दिखाती हैं, बाद में सब एडजस्ट कर लेती हैं सर। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी प्रतिभा? मरते समय हर कोई माफी मांग लेता है, लेकिन तुम जैसों को मौत का खौफ दिखाना ही मेरा काम है। ऐसे हरामियों का भगवान कभी भला ना करे। गोविंदा गोविंदा। टूर पर आने वाली लड़कियां अपने पास मोबाइल न रखें, घर पर फोन भी न करें, अपना आता पता भी न बताएं। यही कहा था ना, सारे बच्चों की रक्षा करने वाला फादर बनाया आपको, आप तो मारने वाले हैवान बन गए। जो चीज खो गई हो, जो चले गए उनके बारे में सोचना, इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। आपके लिए सब कुछ एक बिजनेस है, यही ना? नो मालती,
You have mistaken me. उस पुलिस वाले की बात सच निकली। बच्चे ही खानदान को तबाह करते हैं। बुरे बच्चे के लिए बुरा बनने से बेहतर है कि हम लोग अच्छे बनकर जिएं। It's not business, it's a fact. चेहर मालती, इस दुनिया में कई सारे बच्चे हैं। बेटे को ही सब कुछ मत मानो। सुनो जी, सुनिए। ओके, आप सब जाइए। ओके। कीर्ति के बारे में सबके सामने बात मत करना बोला था ना? क्या बात है? आज सुबह से ही कीर्ति हॉस्टल से गायब है। हा? क्लास में भी नहीं गई, दोस्तों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। हेलो कमिश्नर सर। जी मैं रघुनाथ राय। हाँ बोलिए। सर मेरी बेटी कीर्ति नाम है उसका, मिसिंग है सर। हमें तो पता भी नहीं कि आपकी एक बेटी भी है। ये सब मैं बाद में बता दूंगा, मैं अभी पहुंचता हूँ। देखिए अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए, मैं बात कर लूंगा। क्या बात है? मेरी बेटी लापता है। उम्र कितनी है? 19 साल। किसी के साथ भाग गई होगी, उसके दोस्तों से पूछ लीजिए। हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, मुझे जानते हो ना? क्या हुआ? वकील की बेटी प्यार न करे, किसी के साथ भाग ना जाए, ये कोई कानून है क्या? दूसरों की बेटियों की इज्जत तो आप अदालत में उछालते रहते हैं, इसका एहसास तब नहीं हुआ था क्या? उसका नाम क्या है, वो करती क्या है और कब से लापता है, ये सब डिटेल्स के साथ कंप्लेंट लिख दो। क्यों हिंदी नहीं आती क्या? मुझे ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आती है। बातें तो हिंदी में करते हो, लिखते समय अंग्रेज की औलाद हो जाते हो। लीजिए। ठीक है जाइए। लेकिन मेरी बेटी, अभी तो कंप्लेंट दी है आपने, तहकीकात भी करेंगे, कोई तस्वीर हो तो भिजवा दीजिए। उतनी देर में उसे कुछ भी हो सकता है मिस्टर रॉय, कौन जानता है किडनैप करने वाला कौन है, क्या है, कहां पे है, हम पता करके बताएंगे। नमस्ते वकील साहब। अगर वकील चाहें तो किसी अदालत में किसी केस की कोई फाइल मूव नहीं करेगी, यही कहा था ना? लेकिन अगर पुलिस वाले चाहें तो केस ही फाइल नहीं होगा। आपका चीखना चिल्लाना जो ये सब है अदालत के अंदर, बाहर आएंगे तो हम जैसे लोग ही काम आते हैं। आपको चैन की सांस लेनी है या अपनी बीवी के साथ चैन से सोना है, तो घर के बाहर कुत्ता होना चाहिए या उतना ही ईमानदार पुलिस वाला होना चाहिए। माइंड इट मिस्टर एडवोकेट। हेलो मंजुनाथ। कौन मंजुनाथ? तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। बच्ची को सबसे छुपा के हॉस्टल में रखा था, तो सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उस दिन मैंने बोला था तुझे, मैं बाहर आया तो तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा। उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं, और अब तुम्हारी बेटी को सजा मिलेगी। उसकी इज्जत जाएगी या फिर वो अपनी जान से जाएगी। डोंट शाउट। क्या चाहते हो? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो एक काम करो, मुझे 25 लाख रुपए दो, तब उसे छोड़ दोगे ना? देखते हैं, मेरा मन पैसों से भरेगा या तेरी बेटी की जवानी से। भाई चाय दूं क्या? अबे जाना यार, कितना दिमाग खा रहा है मेरा। कैसा है रे? ठीक हूँ साहब। ये ले एक चाय पिला। एक खबर है साहब, वहां उस स्कॉर्पियो में एक लड़की है साहब। राय पैसे कहाँ है? कहाँ है लड़की बे? सर उस गाड़ी में है। ओ शिट। हेलो सर।
घटिया काम करके सिर ऊंचा नहीं रखते, आंखें नीचे करो। गलती नहीं की तो सर क्यों झुकाऊं? मैं भी एक अच्छे घराने से हूं, किसी पैसे वाले को खून करते देखा मैंने। सोचा था कि गवाही देना, सच कहना ही मेरी जिम्मेदारी है। उस पैसे वाले ने कुछ पैसे फेंके और रॉय ने उसे समेट लिया। कातिल मुझे करार दिया गया, मैं जेल गया। कब से अपने बारे में अच्छी बातें बताई जा रहे हो? तो उस लड़की को किडनैप करके रेप का अटेम्प्ट क्यों किया? सर, मैं भी इंसान हूँ सर, वो लड़की मेरी बहन की तरह है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे रॉय को सबक सिखाना था। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं अब डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। अगर होता तो तेरा मुंह खुलने से पहले मेरे बंदूक की गोली तेरे भेजे में जाकर आंख में चोली खेलती। तेरी अच्छाई ने तुझे बचा लिया है। नाम क्या है तेरा? मंजू सर। आइंदा ये सब मत करना प्लीज। बेटी, तुम ठीक तो ना? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके हकदार हम नहीं हैं। बेटी, ब्रेक हुआ होगा, आराम से पूछिए, वो बताएगी। मिस्टर शंकर पांडे। यस मिस्टर लॉयर, क्या हुआ? अदालत में तो आप सारी लड़कियों से रेप कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, दिन में हुआ, रात में, कपड़े निकाले थे, हाथ कहाँ रखा था, वगैरह वगैरह अजीब सवाल पूछते हैं। अपनी बेटी से पूछने के लिए शर्म आ रही है क्या, या जिल्लत हो रही है? मिस्टर रॉय, सिर्फ केस जीतना है, खूब पैसे कमाना है, समाज में बहुत बड़ा बनना है, ये सोचकर इंसानियत भूल जाओगे ना तो कभी चैन से नहीं जी सकते। आपको मुजरिमों से तो प्यार है, हमदर्दी है, लेकिन हम जैसे पुलिस वालों से क्यों नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी एक बात बताता हूँ, आप बोलते हैं कि कोई पुलिस वाला अच्छा नहीं होता, पर उन्होंने साबित कर दिया है कि सब बुरे भी नहीं होते। अच्छाई और अच्छे लोगों को पहचानोगे तो इज्जत भी मिलेगी, पर ये बात आप कभी नहीं समझ पाए। मिस्टर रॉय, लेट्स मीट इन द कोर्ट। सीसी नंबर 171/2009, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन, शंकर पांडे एंड अश्विनी पांडे। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं। यस, प्रोसीड। क्राइम हुआ है, किसी ने नहीं रोका, पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी ठहराया जाता है। घर में पानी भर जाए तो सुनामी को दोष दोगे क्या? क्यों भाई, सिर्फ पुलिस वालों को ही सारी जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ेगी? आप में से किसी को क्यों नहीं? कसाब नाम का एक देशद्रोही अदालत में गुनाह कबूल करने के बावजूद उसके पक्ष में पैरवी की जा रही है, कौन लेगा योर ऑनर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गुनाह करने वाले को सजा जरूर मिले, पर निर्दोष को सजा ना मिल सके ये इनकी जिम्मेदारी है। जुडिशरी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो ये सही है या गलत? उसे फांसी दोगे तो नतीजा क्या होगा? ये सारी बातें मंत्री लोग और बड़े लोग बैठकर टीवी पर सुबह शाम डिस्कस करते हैं, तो क्या ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इतनी ही इज्जत करते हैं? इसके बारे में सब्र से काम लेना, मीडिया वालों की जिम्मेदारी बनती है ना। जब तक वीरप्पन जिंदा था सब लोग कहते थे पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, और जब वो मारा गया तो छानबीन करने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए। जब वीरप्पन सैकड़ों पुलिस वालों को मार रहा था तब क्या कर रहा था? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमैनिटी की बातें करने वाले लोगों को ये समझना कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। हर कोई खाने में लगा है, जनता विश्वास करे तो किस पर? पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। इनकी सरकार बनती है ये खाते हैं, उनकी सरकार बनती है वो खाते हैं। सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में किसी भी हद तक उतरने में नहीं हिचकिचाते हैं ये नेता। याद रखिए कि नेताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि प्रजा का भला किस तरह से हो। क्या मतलब, तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट दूध की धुली है? ये तो मैंने नहीं कहा सर। याद कीजिए, संजय दत्त जब जेल से छूट रहे थे तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उनसे हाथ मिला लिया था तो उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर सरकार गिर जाएगी, मेजोरिटी नहीं रहेगी, ये सोचकर जेल में बंद पॉलिटिशियन को बेल पर बाहर लाया गया। उस दिन कहां गई थी लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूंगा कि पुलिस की गलती नहीं है, लेकिन हर बुराई के लिए आप पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हजारों चीजों के लिए कानून में बदलाव लाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले इस एसिड अटैक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का आदेश दे दिया था। ये काम कोई नहीं करता, कोई भी सरकार ये काम नहीं कर रही है। क्या यही है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक इज्जतदार आदमी की इज्जत चली जाती है तो सोचता है कि समाज में कैसे जीऊंगा। वहीं एक औरत जिसका चेहरा जला दिया गया हो, सोचिए वो किस तरह जिंदा रहती है। योर ऑनर, आप ही कोई कानून बनाइए,
औरत पर हो रहे अत्याचार को रोकिए। अगर रेप करने वाला 10,000 देकर छूट जाता है तो क्या जिसके पास 10,000 है ऐसा शख्स रेप कर सकता है? और जिन पर एसिड अटैक हुआ है केस फाइल करते हैं ताकि मिलने वाले मुआवजे से जिंदगी गुजार सके। वो लड़की जो रकम जीतने वाली थी उससे कुछ बच्चों की जिंदगी सुधारने की चाह रखती थी, पर उसी की जिंदगी अब अंधेरे में है। इसकी वजह है कानून। जनता तो ये भी नहीं जानती कि राशन के तराजू में बेईमानी हो तो कहां जाए, न्याय के तराजू में अन्याय मिले तो कहां जाएंगे। इसीलिए खुलेआम मैं आज मैं एक सच्चाई को स्वीकार करता हूं। वकील रॉय साहब ने सच कहा कि मैंने ही ये सारे कत्ल किए हैं। वी आर द कल्प्रिट। क्या आप ह्यूमन राइट वाले मदद करेंगे? वैसे हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। योर ऑनर, आज आप जो भी सजा मुकर्रर करेंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों रघुनाथ रॉय जी, आपको कोई सवाल पूछना है? योर ऑनर, आज मैं इस केस से बैकआउट कर रहा हूं। कोर्ट की परमिशन मिल सकती तो मैं आपकी पैरवी कर रहा होता, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज तक बहुत मतलबी था, आज से एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर बनूंगा। हमारी फैमिली में सभी ने नेत्रदान किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस केस की अगली तारीख अगले महीने के 19 को मुकर्रर की जाती है। शंकर पांडे, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। मुझे आपकी तरह बात करना नहीं आता सर। मैं एक नेता होने के नाते नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। चुनाव में 40% लोगों ने वोट दिया तो खुश होने की बजाय बाकी के 60% लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, इसके बारे में एक बार सोचिएगा सर। इस देश का भविष्य तैयार करना आप लोगों के हाथ में। हेलो सकलेचा। सर नमस्ते। केस का क्या हुआ? सर मैंने केस से बैकआउट कर लिया सर। मुझे लगा कि मैं आज तक गलती करते आया हूँ, और वैसे भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां ना सर। सही कहा, बच्चों की खातिर या फिर किसी और स्वार्थ के लिए गलती कर जाते हैं हम, लेकिन इन सब के ऊपर एक और भी जिम्मेदारी होती है, इसे तो हम भूल ही जाते हैं। अब इसे बदलना होगा। बिल्कुल सर। मैडम का फोन है। हेलो। गुड। कुछ लोगों में तो गलती करते वक्त हिम्मत होती है, गलती मानते वक्त नहीं होती, पर तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा काम किया है तुमने, और इतना ही नहीं कुछ लोगों को बदला है तुमने। आज वाकई में तुम अच्छे इंसान बन गए हो। सजा भी हुई तो बी प्राउड। यस मैडम। अंकल आपने क्या गलती की है? अंकल आपको जेल में डाल देंगे। दीदी कहती है आप अच्छे हैं तो आपको यहाँ क्यों लाया गया है? अंकल को नहीं छोड़ेंगे क्या? पता नहीं बेटा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। देवी जैसी दीदी मिल गई है। पढ़ाई करना, बहुत नाम कमाना बेटा। आपकी नजर में जो सही है वो कानून के नजर में गलत है ना? बताइए। कानून तो एक ढांचा है, उसमें जान डालने के लिए इंसानियत चाहिए, वही मैंने किया है। इसीलिए आप जानवर बन गए? नहीं, जानवर को मारने के लिए जानवर बना क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आपने गलती नहीं की है? नहीं जानता। फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? प्रजातंत्र में प्रजा का फैसला सबसे बड़ा होता है। उन्होंने चाहा तो छूट जाऊंगा, और दिल में बसा के रखा तो महान बन जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।